हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉम्रेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, आज है 1 मार्च। तो बच्चों, आज मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में क्या टास्क दिया था, आपके गुरुजी ने आप सभी बच्चों को ये टास्क दिया था कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, यानी पहली 2 यूनिटों को खत्म करना है हर हालत में। हर हालत में 17 मार्क्स आपको गेट करने होंगे। तो बच्चों, आज 1 मार्च खत्म होने को आई है और गुरुजी ने केवल 1 शॉट 1 चैप्टर का डाला है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरुजी ने आपसे वादा किया है और ना आए। तो बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड और थर्ड चैप्टर की वीडियो ले आया। तो बच्चों, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड इसको कॉम्बाइनली पढ़ाऊंगा बच्चों। पहले चैप्टर 2 खत्म करेंगे, चैप्टर 3 खत्म करेंगे। तो बच्चों, हर एक टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसका फॉर्मूला आपकी कॉपी में ना गया हो। तो बच्चों, हालांकि मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से बुल्ड नहीं करूंगा, लेकिन अपना 100% दूंगा और हर एक न्यूमेरिकल जो फंसेगा, हर एक फॉर्मूला जो आने की संभावना है, वो आप सबके दिमाग में चला जाएगा। तो बच्चों, हम पहले अगर बात करेंगे तो हम चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे बच्चों। और चैप्टर 2 कौन सा है, तो मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बच्चों, आपने हेडिंग डाल ली, बिल्कुल बच्चों। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की हेडिंग। तो बच्चों, सबसे पहले टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है बच्चों? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से इंडिकेट करते हैं। अगर मैं क्या करूं बच्चों, सपोज करो, एक सिंपल एग्जाम्पल दूंगा। आपके गुरुजी आपको ट्यूशन पढ़ाते हैं, जैसे मैं बहुत भैयाओं को ट्यूशन पढ़ाता हूं। तो अब अगर मैं क्या है, किसी कोई भी भैया क्या है, ट्यूशन नहीं आ रहा, अब मुझे पता है कि उसका लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूं, उस भैया को उसके घर से जबरदस्ती वर्क डन करा के घसीटते हुए अपने कमरे में लेके आऊं। मुझे बताओ, तभी तो मैं पढ़ा पाऊंगा। तब वो जहां मैं पढ़ाता हूं वहां पर आए, तो जो वर्क डन मेरे द्वारा जो कराया गया है, किस पर, उस भैया पर, वही क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी। तो बच्चों, जहां मैं पढ़ाता हूं वो ये ए पोजीशन है, और इसके अलावा यहां कहीं पर भी ले लूं, कहने का मतलब है उस भैया का जो घर है वो इन्फिनिटी पोजीशन पर है। क्या आर डिस्टेंस, ये इन्फिनिटी पोजीशन पर है। वो भैया कैसा चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, बता चुका हूं मैं, पॉजिटिव। उसकी नियत सीखने की होगी हमेशा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, नौसिकिया चार्ज। अगर उसको सब कुछ आता तो वो मेरे पास ही क्यों आता, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो बच्चों, इस चार्ज को मैं यहां से उठा के यहां पर कुछ वर्क डन करा कर ला रहा हूं, तो इसको बी नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि ये मेरा ट्यूशन है बच्चों, और ट्यूशन तक लाना है, तो जबरदस्ती वर्क डन करा के ला रहा हूं इस प्लस क्यू चार्ज को। तो बच्चों, इस चार्ज को इन्फिनिटी से अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाया जाए तो हम उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो बच्चों, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो द वर्क डन डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं बच्चों, आप समझ गए होंगे कि, क्योंकि ज्यादा इतना टाइम है नहीं, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट पर हमें ज्यादा ध्यान रखना है। तो बच्चों, ये क्या हो जाएगा, V is equal to W upon Q, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हम इस टेस्ट चार्ज को वर्क डन करा के ला रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V is equal to W upon Q। अब मैं थोड़ा सा एक आपको सिनेरियो दूं, एक आपको बहुत अच्छे से आपको एक कंपैरिजन करा दूं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था बच्चों, बिल्कुल, ये क्या था बच्चों, एफ अपॉन क्यू। अगर मैं क्या कर रहा था, मैं सोर्स चार्ज था बच्चों, नौसिकिया चार्ज था यहां पर टेस्ट चार्ज, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी इसको, तो ये क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ई क्या था, एफ अपॉन क्यू बच्चों, वी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत हुई होगी बच्चों। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है, लगभग लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसा। उधर क्या था, फोर्स किस पे लग रहा था, चार्ज पर, यहां पर वर्क डन करा के ला रहा हूं चार्ज को। तो क्रिस्टल क्लियर बच्चों, तो क्या हम
हमें समझ में आया बच्चों, तो मैं क्या कहूंगा बच्चों, हमें ये समझ में आया कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो मैंने ए पॉइंट मान लिया बच्चों, इसको मैंने बी पॉइंट मान लिया, इसको मैंने इंफिनिटी बोला। यहां पर प्लस क्यू चार्ज है बच्चों, प्लस क्यू चार्ज है, यहां से इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ला रहा हूं। तो बच्चों जो पोटेंशियल होगा वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू भाई फाइनल माइनस इनिशियल, इसको क्या होगा मुझे बताओ, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट, इंफिनिटी टू ए या बी टू ए अपॉन क्यू, किसको ला रहे हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। तो बच्चों वर्क पोटेंशियल वी पे कितना है, इंफिनिटी पर जीरो, तो वी ए क्या हो गया बच्चों, डब्ल्यू इंफिनिटी ए, तो ये क्या हो गया डब्ल्यू इंफिनिटी टू ए अपॉन क्यू, तो बच्चों आ गया V is equal to W upon Q। तो मुझे नहीं लगता पोटेंशियल में कोई दिक्कत हुई होगी। अब बच्चों दो पॉइंट और नोट करो, पोटेंशियल क्या है हमारा बच्चों, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, आप जानते हो ये केवल मैग्नीट्यूड स्पेसिफाइड करता है। दूसरा पॉइंट बच्चों, स्टिल क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, तीसरा पॉइंट, अगर बच्चों इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सहारे पर अगर मैं बात करता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था बच्चों, कंपैरिजन भी करा रहा हूं, ये वेक्टर क्वांटिटी था, कहने का मतलब है ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के साथ प्लस लिया जाता था बच्चों, लेकिन ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड, कहने का ये मतलब है अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज को लाता तो बच्चों ये क्या होता, V is equal to W minus Q। तो बच्चों ध्यान रखना, जैसा चार्ज जैसी भूसा वैसा काम, समझ गए बच्चों, तो क्रिस्टल क्लियर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डन, ये स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, आगे चल रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के बाद हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे, क्या बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लूंगा बच्चों और आपके कॉन्सेप्ट को खत्म कर दूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, अब क्या हुआ बच्चों, पहले क्या था, एक बच्चा नालायकी दे रहा था, अब क्या है, दो दो बच्चे नालायकी दे रहे हैं, तो मुझे बताओ दो को इन्फिनिटी से वर्क डन करा के लाना पड़ेगा, कहां तक, अपने ट्यूशन तक, अपने घर तक। तो बच्चों क्या होगा, तो बच्चों ये कंडीशन आएगी, क्या ये मेरा ट्यूशन है ए, यहां पर बी पॉइंट बच्चों, अब मुझे बताओ एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां से इसको वर्क डन करा के लाया, एक और इंफिनिटी, क्योंकि इसके बाहर तो सभी इंफिनिटी हैं, ये भी इंफिनिटी है, एक और इसको भी करा के लाया। अब बच्चों मुझे बताओ इन दोनों चार्जों के बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा, उसी डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों मुझे बताओ, यहां पर वी ए माइनस वी वी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू, अब मुझे बताओ एक एक इंडिविजुअल करते हैं, तो मुझे बताओ वी ए वाले को अगर देखूंगा तो वी वी वाला इंफिनिटी पर होगा, तो वी ए वाला अगर बात करूंगा तो इंफिनिटी टू ए अपॉन क्यू, ये कंडीशन आएगी बच्चों, क्रिस्टल क्लियर। अगर मैं बी वाले के लिए ए पॉइंट पर पहुंचा, पी ले लेता हूं इसको और इसको क्यू, तो पी पॉइंट तक अगर मैं बात करूं दूसरे वाले पॉइंट की, तो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू वी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू क्या होगा, क्यू पॉइंट बच्चों अपॉन क्यू, ये क्यू तक पहुंचा, ये भी जीरो, तो बच्चों यहां से दोनों में डिफरेंस आ गया, तो बिल्कुल आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आ गया डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वी पी माइनस वी क्यू इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी क्यू अपॉन क्यू, क्रिस्टल क्लियर बच्चों। तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस, क्रिस्टल क्लियर। तो दो चार्ज को लाने की क्षमता, अब आ जाते हैं बच्चों आगे, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया, अब वर्क डन। तो बच्चों थोड़ा सा एक कंपैरिजन करा लूं मैं आपको, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, मुझे बताओ बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, V क्या आया है बच्चों, W अपॉन क्यू,
याद रखना बच्चों, V इज इक्वल टू W अपॉन Q. W क्या होता है? F डॉट S होता है बच्चों. यही कंडीशन अब आगे अप्लाई करूंगा तो W अपॉन Q. एक कंडीशन याद रखना बच्चों, जो V है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो E है वो वेक्टर क्वांटिटी है. इसी को सहारा लेके हम बहुत सी चीजें स्पेसिफाइड करेंगे. तो बच्चों डिफरेंस आपको क्रिस्टल क्लियर आया. अब एक चीज पूछ लूं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज कितना आया था बच्चों? अब आप अपने आप निकालने पे परिपक्त कर दूंगा. E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू किया था कूलम्स लॉ से, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू. तो ये आ गया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. बच्चों मुझे बताओ, अगर मैं W को F डॉट S अपॉन Q लिख दूं तो कोई दिक्कत है ना? मुझे बताओ, ये S इंक्लूड है. अगर V को मैं लिख दूं F अपॉन Q इंटू S, तो ये E ही तो है, E डॉट S. तो बच्चों ये KQ अपॉन R स्क्वायर है, तो ये KQ अपॉन R नहीं हो जाएगा, क्योंकि S का इंटू है. एक S से S कट गया या R से R कट गया, तो KQ अपॉन R होना है. लेकिन मैंने तो आपको ये टेक्टिक्स बताई हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी तो समझ में आना चाहिए. तो आ जाओ बच्चों, कैसे आपको टैकल करना है. स्टिल क्लियर? तो पोटेंशियल, तीसरा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. आ जाओ बच्चों. तो बच्चों क्या होगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहां से प्लस क्यू चार्ज है. अब मुझे बताओ, यहां पर आर डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट पर बी पॉइंट पर क्या पोटे ए पॉइंट की वजह से क्या होगा? तो वी क्या होता है बच्चों? डब्ल्यू अपॉन क्यू. स्टिल क्लियर? और आपको अभी बताया वर्क डन क्या होता है बच्चों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो एफ इज इक्वल डॉट आर लिख दूं बच्चों? बिल्कुल, F डॉट R अपॉन Q. मुझे बताओ F कूलम्स लॉ से क्या हो जाएगा बच्चों? K Q Q अपॉन R स्क्वायर बच्चों. बिल्कुल. तो मुझे बताओ, ये तो मैं हूं खत्म, K Q Q अपॉन R स्क्वायर बच्चों. R से R गया और Q से Q गया बच्चों. तो मुझे बताओ क्या आ गया आंसर? K Q अपॉन R. तो ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज पोटेंशियल क्या हो गया? KQ अपॉन R. मैंने आपको पहले ही स्पष्ट करा दिया था. तो इस फॉर्मूले को भी आप अपनी लिस्ट में डालो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आता है? KQ अपॉन R बच्चों. अब थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाऊंगा बच्चों. जो मैंने क्या था, मैंने हालांकि मैंने अपने गलती से हो गया था कि वो छूट गया था, लेकिन फिर मैंने कंपनसेट किया. मैंने वीडियो जब देख रहा था, मैंने कहा भाई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल रह गया, लेकिन फिर मैंने सोचा पोटेंशियल और एक सहारा है, वहीं पर सब बताता हूं. तो बच्चों अब बताता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल. तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट. और बच्चों फर्स्ट चैप्टर का ये नोट कर लेना, ये रह गया था गलती से. फर्स्ट चैप्टर है, यहां पर था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट. सबसे पहले तो सुनो एक्सियल पॉइंट होता क्या है. डाइपोल में बता ही चुका हूं बच्चों. तो बच्चों अगर मैं V की बात करूं तो याद रखना डाइपोल, तो यहां क्या होता है? डाइपोल होता है बच्चों P इज इक्वल टू Q इंटू टू एल. टू एल तो बच्चों ये होता है डाइपोल हमारा. तो ये क्या है बच्चों? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेट्यूड ऑफ चार्ज इनटू फाइनाइट डिस्टेंस. इसका जो डायरेक्शन होता है बच्चों नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है. एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है बच्चों ऑन द लाइन. याद रखना हमेशा ऑन द लाइन, लाइन पर आना. दो शब्द होते हैं बच्चों, सुनो. एक एक्सियल पॉइंट होता है बच्चों और एक इक्वेटोरियल पॉइंट होता है बच्चों. इक्वेटोरियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है बच्चों? जैसे सपोज करो ये लाइन है, तो इसी लाइन पर यहां पर आ जाए.
यही या इसी लाइन पर यहां पर आ जाए, यही यही एक्सियल पॉइंट है ऑन द लाइन। अगर बच्चों इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करूं, ये होता है परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन, लाइन के परपेंडिकुलर। जैसे ये लाइन है तो यहां पर हो ये पॉइंट या यहां पर हो ये पॉइंट, क्रिस्टल क्लियर बच्चों। ये परपेंडिकुलर होता है, ये ऑन द लाइन होता है, तो ये भी आपका क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, फिर आता हूं मैं दोनों पे। हालांकि इन दोनों के जो डेरिवेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन भी भैयाओं को डेरिवेशन का प्रूफ चाहिए मुझे डीएम कर देना बच्चों इंस्टाग्राम आईडी साइंस कॉमरेड पे, मैं आपको दे दूंगा। अभी केवल और केवल आप ये समझो। तो बच्चों होता क्या है यहां पर, याद रखना, मैं जल्दी से कराने की कोशिश करूंगा। माइनस क्यू प्लस क्यू ऑन द लाइन यहां पर, तो यहां पर बच्चों पोटेंशियल निकालना है हमें, इसको मैंने पी पॉइंट मान लिया। तो यहां पर जब मैं पोटेंशियल निकालता हूं बच्चों, तो याद रखना इन दोनों की वजह से, इन दोनों के बीच में आर डिस्टेंस और 2L डिस्टेंस, ये और यहां से बीच में आर डिस्टेंस, 2L डिस्टेंस, आर डिस्टेंस। तो बच्चों जब पोटेंशियल निकालते हैं पी पॉइंट पर, तो ये आता है मेरे प्यारे बच्चों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, याद रखना बच्चों इंपॉर्टेंट है। हालांकि माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता है बच्चों। डन। एक्सियल पॉइंट की बात करूं, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सियल पॉइंट पर क्या आती है, तो सेम यही सिनेरियो रहता है, 2L प्लस क्यू ऑन द लाइन पी पॉइंट पर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है बच्चों ड्यू टू डायपोल, ये होती है इज इक्वल टू 2kp, सॉरी बच्चों यहां पर माइनस kp अपॉन आर क्यू, 2kp अपॉन आर क्यू। तो बच्चों ये होती है, याद रखना, और यहां पर क्या है डायरेक्शन के साथ होता है। तो बच्चों E इज इक्वल टू, एक मैजिक दिखाऊं बच्चों आपको, एक मैजिक देखो, kp अपॉन आर स्क्वायर है यहां पर, माइनस kp अपॉन आर स्क्वायर, यहां पर 2kp अपॉन आर क्यूब है। एक चीज बताओ, अभी अगर मैंने आपको पोटेंशियल की बात करी थी सिंगल पॉइंट पर, तो बच्चों क्या आया था, V इज इक्वल टू kq अपॉन आर आया था बच्चों, यहां पर क्या आया था E, kq अपॉन आर स्क्वायर आया था। आप एक चीज देख रहे होंगे, इन दोनों में अगर रिलेशन की बात करें तो इन दोनों में R का रिलेशन है, क्यों, एक और देखो, V क्या होता है W अपॉन क्यू, W क्या होता है F डॉट R अपॉन क्यू, ये क्या होता है E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, F अपॉन R, वो F अपॉन Q, तो यहां पर भी देखो R का रिलेशन है। तो आपको कुछ कुछ आइडिया जनरेट हो रहा होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है आपको पोटेंशियल नहीं आता, तब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले जाओगे, ये आपके गुरुजी के कॉन्सेप्ट है बच्चों, और किसी के नहीं है, गुरुजी के कॉन्सेप्ट है। क्या माइनस केपी अपॉन आर स्क्वायर याद नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद है 2kp अपॉन आर क्यू, तब भी आप कर ले जाओगे। इसका ड्यू टू सिंगल पॉइंट याद है kq अपॉन आर स्क्वायर, इसका कर ले जाओगे kq अपॉन आर। डन बच्चों। तो ये था एक्सियल पॉइंट की वजह से, अब मैं चलता हूं इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से बच्चों, किसकी वजह से बच्चों, इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह से बच्चों। एक मिनट में वीडियो को चेक कर लूं, बच्चों सब कुछ सही चल रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट बच्चों, इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल पॉइंट आपको बच्चों पता है क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट, यहां पर भी बच्चों ड्यू टू एट इक्वेटोरियल पॉइंट बच्चों, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट बच्चों। अगर इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करूं, तो यहां पर जो पोटेंशियल हो जाएगा बच्चों वो जीरो हो जाएगा। थोड़ा सा मैं सिनेरियो दिखाता हूं क्यों जीरो होगा बच्चों, मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर बात करूं माइनस क्यू या प्लस क्यू, 2L ये डायपोल हो गया बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव का डायरेक्शन होता है, ये परपेंडिकुलर होता है इसको पी पॉइंट बच्चों, इसकी वजह से kq अपॉन r, इसकी वजह से kq अपॉन r, तो v इज इक्वल टू kq अपॉन r माइनस kq अपॉन r, तो बच्चों ये जीरो हो गया। क्यों हो गया बच्चों, एक चीज बता के आया था, यहां से स्पष्ट हुआ, जो v है वो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं आएगी, केवल और केवल सिंबल माइनस के साथ प्लस के साथ, इस पॉइंट पर kq अपॉन r माइनस kq अपॉन r कट के जीरो, तो प्रोडक्ट क्या आया,
वी इज इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या है बच्चों, जीरो। लेकिन अगर इधर बात करूं बच्चों, माइनस क्यू प्लस क्यू, इस पी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये कुछ ना कुछ आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना ई इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू। क्या आएगा बच्चों, के पी अपॉन आर क्यू, क्रिस्टल क्लियर। ये क्यों आएगा बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो सकता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ। तो बच्चों ये भी याद रखना, यहाँ एक चीज बस, ये एक ऐसा केस है जहां आर का रिलेशन नहीं है, आप वो समझ गए होंगे, वो भी स्पष्टता समझे स्केलर और वेक्टर करने के लिए। तो बच्चों अब जर्नल पॉइंट के लिए भी आप सीख लो, तो इसका जर्नल पॉइंट पर आ जाता है बच्चों, जर्नल पॉइंट पर, क्योंकि यहां पर क्या इक्वेटोरियल का जीरो हो जाता है इसलिए। तो जर्नल पॉइंट पर अगर मैं बात करूं बच्चों, जर्नल पॉइंट पर इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस क्यू प्लस क्यू टू एल, तो जर्नल पॉइंट मतलब ए बाई पॉइंट, ना इक्वेटोरियल ना कुछ, तो ये ऐसा बनेगा जस्ट। तो बच्चों ध्यान रखना, इसको जब प्रूफ करोगे तो ये ऐसी कंडीशन आती है। जिसको भी चाहिए डेरिवेशन वो मुझे डीएम कर सकता है बच्चों इंस्टाग्राम पे, मैं पीडीएफ के थ्रू आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो बच्चों मैंने कराए भी हैं बच्चों केमिस्ट्री में, जिन भी भैयाओं ने किया है। तो बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूं, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, वी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया। अब मैं आपको दिखा दूं दोनों केसेस, आ जाओ एक्सियल देखो इक्वेटोरियल देखो, मुझे बताओ एक्सियल पॉइंट में जीरो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होगी और कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो वी क्या आया था केपी अपॉन आर स्क्वायर। तो डन है बच्चों, बिल्कुल। मुझे बता इक्वेटोरियल पॉइंट की अगर बात कर दूं बच्चों, इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपके गुरुजी ने क्या कहा था, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो वी जीरो हो जाएगा बच्चों। ये भी बच्चों नोट करो, इंपॉर्टेंट था बहुत ज्यादा। खत्म बच्चों, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कल जो टॉपिक रह गया था बच्चों, ये दोनों मैंने यहाँ राइट हैंड में करा दिए। आप बिल्कुल भी कमेंट में मत डालना बच्चों, वो मैं गलती से भूल ही गया था सही में, क्योंकि कोई सीक्वेंस पता नहीं चलती है, क्योंकि बड़ा लेक्चर होता जाता है तो जो दिमाग में आता चला तो वही कॉन्सेप्ट जनरेट करने लग जाते हैं बच्चों। तो क्रिस्टल क्लियर। अब बच्चों क्वेश्चन कैसे आते हैं पोटेंशियल पर, तो उसको सुन लो। तो बच्चों क्वेश्चन आते हैं पोटेंशियल पर, जैसे एक क्या है ट्रेंगल आ गया प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। अब यहां पर पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल बता दो। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको केवल और केवल सिर्फ यहां, नहीं यहां पर पूछ लिया, ये तो टफ सा हो जाएगा थोड़ा, यहां पर पूछ लिया क्योंकि होगा कुछ नहीं, मीडियन का आधा करना है। यहां पर पूछ ले, इस पी पॉइंट पर पूछ ले, यहां पर पूछ ले, यहां पर पूछ ले, तो आप निकाल दोगे, आपको कुछ नहीं करना। V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, यहां आर चेंज होगा, कहीं आर होगा उसके साथ, जैसे सपोज करो ये प्लस के एक माइनस का कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन एक्स डैश, ऊपर वाला के क्यू अपॉन वाई डैश, करके दिखा देता हूं मैं, जैसे सिंपली कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ गया पी पॉइंट वी एट पी, पोटेंशियल निकालो पी पॉइंट पे, ये प्लस क्यू है, ये माइनस टू क्यू है, ये प्लस थ्री क्यू है, निकालो। तो बच्चों क्या करना है आपको, ए बी सी सिंपल पॉइंट है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये आपको पता नहीं है, ये आपको पता नहीं है, ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है 60, ये पता है 60, ये पता है 60, तो हम ए बी मान लेते हैं, निकाल लोगे आप, ये एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया, ये जेड मान लिया। तो बच्चों क्या लिखोगे आप, वी नेट इज इक्वल टू ए की वजह से के क्यू अपॉन जेड, बी की वजह से माइनस के टू क्यू अपॉन, क्योंकि 2q पे माइनस है तो सिंबल के साथ लाना है बच्चों, जबकि ई नेट में ऐसा नहीं था, ई नेट में सिंबल के साथ नहीं आता था, क्यों, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी था, ये स्केलर, बार बार बोल रहा हूं बच्चों ध्यान देना इस चीज पे, प्लस k 3q अपॉन जेड स्क्वायर वो वाई स्क्वायर। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, एक्स वाई जेड आप निकाल लोगे। तो ये मैं थोड़ा सा जल्दी में हूं तो समझ सकते हो आप, बस आपको तो कॉन्सेप्ट देना है मुझे।
अब बच्चों और कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या है आपको रेक्टेंगल दे देगा, रेक्टेंगल के चारों चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू ये बोल देगा, या एक ये बोल देगा प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, या सारों को माइनस कर देगा, बोल देगा पी पॉइंट पे आर 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 आर, तो आप निकाल लोगे बच्चों। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलती थी 6 पॉइंट की वजह से, यहां पर 4 पॉइंट, 1 2 3 4, यहां पर भी बच्चों डायरेक्ट यहां पर वी नेट एट पी इज इक्वल टू क्या होगा, सपोज करो ये एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, क्योंकि इक्वल होगा, डायगोनल आप निकाल सकते हो अंडर रूट टू से, तो क्या आ जाएगा बच्चों 4 इंटू के क्यू। अब यहां पर 2 माइनस है 2 प्लस है, तो बच्चों यहां पर 2 इंटू 2 इंटू के पी, तो यहां पर शायद बच्चों 0 आ जाएगा, शायद 0 आ जाएगा, एक बार देखना पड़ेगा, आप देख लेना। तो सबको एक एक करके लेके देख दिखा देता हूं बच्चों, तो क्या होगा के क्यू अपॉन एक्स प्लस के क्यू अपॉन एक्स माइनस के क्यू अपॉन एक्स माइनस के क्यू अपॉन एक्स, तो बच्चों ये कट ही जाएगा क्योंकि ये आ जाएगा 2 के क्यू अपॉन एक्स माइनस 2 के क्यू अपॉन एक्स, तो ये आ गया 0। बच्चों इस वाले की बात करें तो इस वाले को देख लो बच्चों, तो हर एक को आप जैसे जैसे आप ट्राई करोगे तो आइडिया आते चले जाएंगे, ये कर लेना आप बच्चों, होमवर्क दे रहा हूं, तो ऐसे क्वेश्चन या पोटेंशियल से आपसे पूछे जाएंगे। अब बच्चों आ जाता हूं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई एंड आर, वो ई एंड वी, तो बच्चों रिलेशन बिटवीन, क्या रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या रिलेशन है वी में और ई में। बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं दोनों के रिलेशन की, तो आप सिंपल लिखोगे, मैंने आपको कुछ नहीं बता रहा हूं, सिंपल मैं आपसे बात कर रहा हूं, यहां वी की कहानी चलाऊंगा और यहां ई की कहानी चलाऊंगा। मुझे बताओ वी क्या होता है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, सेटिस्फाई बच्चों, आप अपने आप करोगे बच्चों, ये मेरा वादा है। ई क्या होता है बच्चों, एफ अपॉन क्यू, डन बच्चों, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, ये ड्यू टू सिंगल चार्ज की वजह से क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, ये क्या होता है बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं, मुझे बताओ इस W को F डॉट R अपॉन Q लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल, आपको पता है W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, मुझे आप दिख रहा होगा आपको ये एडिशनल आ रहा है यहाँ। मुझे बताओ अगर बात करूं V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां पर R डॉट R है बच्चों। आप एक और चीज देख रहे होंगे, यहां पर एक आर कम है क्योंकि ये अपॉन में है चीज, आर का स्क्वायर है, तो यहां पर एक आर इससे कहीं ना कहीं ज्यादा है, यहां भी आर का रिलेशन। तीसरे कंडीशन बच्चों, अगर एक्सियल पॉइंट की बात करूं, एट एक्सियल पॉइंट पर वी क्या था बच्चों, के पी अपॉन आर स्क्वायर, यहां पर क्या था बच्चों, वी इज इक्वल टू वो ई इज इक्वल टू 2 kp अपॉन rq। बच्चों यहां भी देख रहे हो आप r का ही रिलेशन है बच्चों। चौथे पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट, हालांकि इसको मैंने पहले ही बताया था v क्या था 0, ये इंडिकेट करता है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। यहां क्या बताया था बच्चों, e इज इक्वल टू माइनस kp अपॉन rq बच्चों, तो r का रिलेशन है, इक्वेटोरियल को छोड़ दूं तो मुझे नहीं लगता अब आपको रिलेशन फाइंड कराने की भी जरूरत है बच्चों। सारे कॉन्सेप्ट, सारे डेरिवेशन, सारे फॉर्मूले आपको एक बार मेमोराइज और करा दिए मैंने पहले और दूसरे चैप्टर के, और इसके रिलेशन को भी समझा दिया, तो इसका रिलेशन क्या आ जाएगा बच्चों, सिंपल लिख दूं, इज इक्वल टू माइनस डीबी अपॉन डीआर बच्चों, माइनस डीबी अपॉन डीआर। अब बच्चों अगर ये आर का जो रिलेशन है, इसको मैं बोल देता हूं पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बोल देता हूं बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट। आज मैं आपके गुरुजी एक चीज बता रहे हैं आपको, कभी भी जिंदगी में ग्रेडियंट शब्द किसी के पीछे आ जाए, उसका मतलब होता है
पर यूनिट लेंथ, हमेशा पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमेशा अगर मैं कह दूं जैसे मैं हूं निशांत, ग्रेडियंट निशांत अपॉन एल हमेशा, तो E is equal to minus dB upon dr हो गया बच्चों। तो मुझे बताओ ये रिलेशन आपका क्रिस्टल क्लियर, E is equal to minus dB upon dr। अगर बिग चेंज है बच्चों तो माइनस डेल्टा V upon डेल्टा R, क्रिस्टल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या है डिस्टेंस, खत्म बच्चों, क्रिस्टल क्लियर। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आ जाते हैं बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ। तो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 100%। 4 स्टार लगा लो कल के पेपर में, वो 6 तारीख के पेपर में आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा ही मिलेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों ये क्या है, इक्विपोटेंशियल से आपको शब्द से ही आपको फील आ गया होगा। सपोज करो बच्चों ये मैं हूं प्लस क्यू, मैं क्या कहता हूं ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट। अगर मुझे बताओ एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, मैं क्या है अपने, मेरे पास 10 बच्चे हैं, मैं 10 बच्चों को पढ़ाता हूं, मुझे बताओ मेरी कैपेबिलिटी जितनी है मैं अपना 100% दूंगा। अब मुझे बताओ मेरे लिए हर एक बच्चा इक्वल है, समान है, बिल्कुल है। मुझे बताओ मैं अपना 100% डिलीवर करूंगा, बिल्कुल। तो हर बच्चा 100% सुन पा रहा है, बिल्कुल। हर बच्चा मुझ पे उतना ही बिलीव करेगा जितना दूसरा करता है। तो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है जो भी भैया मेरे पास पढ़ने आएंगे वो मेरा स्टूडेंट है, और जो मैंने एक को डिलीवर किया है वो दूसरे को भी कर रहा हूं, तीसरे को भी कर रहा हूं, चौथे को भी कर रहा हूं, पांचवे को भी कर रहा हूं। कहने का मतलब है जो भी मेरे स्टूडेंट हैं सबको पोटेंशियल इक्वल दे रहा हूं बच्चों। इसी को कहते हैं इक्विपोटेंशियल, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना बच्चों। अगर मैं बोलूं आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, मुझसे तो सभी की आर ही डिस्टेंस दूरी रहेगी। तो मुझे बताओ यहां पर मैं आपसे कहूं के क्यू अपॉन आर, यहां पर निकलवाऊं के क्यू अपॉन आर, यहां पर निकलवाऊं के क्यू अपॉन आर, पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसके पोटेंशियल की बात करूं के क्यू अपॉन आर। तो मुझे बताओ सबका पोटेंशियल ए हो बी हो सी हो डी हो, सबका पोटेंशियल इक्वल। तो ए बी सी डी सबका पोटेंशियल जब समान हो जाता है बच्चों तो उसी को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्रिस्टल क्लियर। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बच्चों क्या है, ये आ जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज। तो 100% क्वेश्चन आना पॉसिबल है इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज पर, वर्क वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। तो क्या है प्रॉपर्टीज, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ, बच्चों यहां पर लिख देता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ, दिख रहा होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहली प्रॉपर्टी है बच्चों पोटेंशियल एट, पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा बच्चों सेम होगा, अभी दिखाया पहली प्रॉपर्टी, क्रिस्टल क्लियर। दूसरा वर्क डन ऑन, वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। कभी भी कोई भी वर्क डन कराएंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वो जीरो होगा। मुझे बताओ पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट सेम होगा, बिल्कुल। VA VV के इक्वल था, VV VC के इक्वल था, VD VV के इक्वल था। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट है सबको इक्वली पोटेंशियल दिया मैंने बच्चों। वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। सपोज करो ये मैं हूं प्लस क्यू, यहां पर ये ए पॉइंट है, एक बच्चा है ये बी। मुझे क्या है, ये जो ए बच्चा है यहां से वर्क करके यहां पर आ गया बी पॉइंट पर, यहां से कुर्सी से उठ के यहां कुर्सी पर बैठ गया। तो मुझे बताओ इसको क्या कुछ ज्यादा सुनाई देगा या ज्यादा समझ में देगा। आपको पता है आपके
जब जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा कहते थे टीचर से कि इसको आगे बैठाया करो। क्या ऐसा होता था कि आपको आगे बैठाते थे तो आपको ज्यादा समझ में आता था? बच्चों नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सभी टीचर तो इक्वली डिलीवर कर रहा है, अब इक्वली तो डिलीवर करेगा तो पोटेंशियल तो इक्वली है। डन बच्चों, जितना सीखेगा बच्चा वही तो है। तो बच्चों वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ से? तो आपको पता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, तो W क्या हो जाएगा बच्चों? V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो ये क्या हो जाएगा? वी क्यू। तो बच्चों यहां से आपको पता है, जब पोटेंशियल की बात करूंगा, के क्यू क्यू अपॉन आर, तो ये ए पॉइंट के लिए था, तो बी पॉइंट के लिए भी तो के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, तो ये दोनों जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो। दो प्रॉपर्टी थी इंपॉर्टेंट, वर्क डन वाली प्रॉपर्टी और पहली जो पोटेंशियल वाली प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, दो इक्व पोटेंशियल सरफेस कभी भी बच्चों इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तीसरी भी। टू इक्व पोटेंशियल सरफेस, टू इक्व पोटेंशियल सरफेस सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते बच्चों। क्यों नहीं कर सकते हो बच्चों? अगर किया तो दो डायरेक्शन हो जाएंगे बच्चों, दो डायरेक्शन अगर हो जाएंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है चीजें। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाली कहानी थी, तीसरा पॉइंट भी आपके दिमाग में गया बच्चों। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, चौथे पॉइंट की, तो अगर मैं क्या कर रहा हूं, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो गुजरेंगी वो हमेशा परपेंडिकुलर गुजरेंगी बच्चों। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है बच्चों, मैंने ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दूसरा, अगर मैं यहां से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकालता हूं तो ये हमेशा 90 डिग्री से होते हुए निकलेंगी बच्चों। कहीं पर भी डाल लो आप, कहीं पर भी, हर इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 से निकलेंगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो भी कंडक्टर है या जो भी चार्ज है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के, हमेशा क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी बच्चों। क्रिस्टल क्लियर? तो बच्चों ये चार पॉइंट थे, आप अपनी डिक्शनरी में जरूर डालें। पांचवा पॉइंट बच्चों इन्हीं को कॉम्बाइन करके है कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली बात करूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस में अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनवाएं, पहली प्रॉपर्टी। तो बच्चों सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हम बनवाएं, तो अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने की बात करता है तो आप ये बना लेना, ये आर, ये आर वन, ये आर टू। तो बच्चों ये आर वन, ये आर टू, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए पॉजिटिव के लिए। अब आप ये एरो दिखा दो पॉजिटिव के लिए बाहर जाते हुए, पहला पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस ये, दूसरा ये। बच्चों अगर आपसे पूछे सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए, बच्चों सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, तो बच्चों आपको नेगेटिव चार्ज बनाना है और यहां पर एक और दो, अब इसमें अंदर लाते हुए दिखा दो। तो बच्चों ये क्वेश्चन आते हैं एक नंबर में, भैयाओं को हलवा लग रहा होगा बच्चों, हलवा मैंने बनाया है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाते हैं जब आ जाते हैं, आप पढ़ के जाओगे तो बहुत इजी हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर बच्चों क्या है, अगर मैं क्या कहूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? पैरेलली, अगर पैरेलल चल रही है, मतलब ये प्लेट सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए बनाओ, इनके लिए, इन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ बच्चों। तो मैं ये बना दूं बच्चों, ये बना दिया आपके गुरुजी ने, हर को इक्वल डिस्टेंस पर, डी डी ऐसे डिस्टेंस पर आप कवर मार्क कर दो बच्चों, प्लेट बना दो। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये क्या है, पहला सरफेस, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तीसरा सरफेस। डन बच्चों? तो यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चौथा बच्चों पूछ लेता है डाइपोल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी भी क्वेश्चन हो जाता है कि एक दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ डाइपोल के लिए, डायपोल के लिए। तो डायपोल आपको पता है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो बच्चों ये टर्मिनेट करेगा एक दो, एक दो। तो बच्चों यहां से क्या है, अंदर आएंगी, अंदर आएंगी, अंदर आएंगी, अंदर आएंगी, यहां से क्या है, बाहर निकलेंगी, बाहर निकलेंगी, बाहर निकलेंगी, बाहर निकलेंगी। तो
तो बच्चों ये हो गया बाहर जोड़ते हुए। देन बच्चों दो दो बनाने हैं तो यही कॉन्सेप्ट है, और बाहर वालियों को जोड़ भी सकते हो। डन बच्चों, तो ये थी बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात। अब हम चलते हैं आखिरी टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर। किस पर बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी समझो बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है बच्चों? तो आप सभी ने क्लास 11th में पढ़ा होगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो पजेस होती है ड्यू टू द पोजीशन। पोजीशन की वजह से जो कन्फ्यूग्रेशन चेंज होता है उसी को, या पोजीशन की वजह से जो एनर्जी पजेस होती है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे बच्चों अगर कोई बॉल है आपके पास और आप क्या है ग्राउंड पर हो, तो यहां पर क्या होगी जो पोटेंशियल एनर्जी? जीरो। आपके पास बॉल यहां पर है और आप एच हाइट पे है, तो यहां पर क्या होगी? mgh, क्योंकि h हाइट पर है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की कहानी थी बच्चों। ये किसमें कहानी थी बच्चों? ये थी आपकी क्लास 11th में। आप भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन अब यहां पर कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको पोटेंशियल एनर्जी को समझना है। तो बच्चों आपको पता है अगर मैं क्या करूं, किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए मुझे क्या लगता है? वर्क डन। मुझे बताओ मैंने क्या किया, एक प्लस क्यू चार्ज लिया, उसको इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट ए तक ले आया बच्चों। अब मुझे बताओ इसको जो लाने में जो वर्क डन हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बता दो, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू ए माइनस इसको बी पॉइंट बोल दिया, यू बी इज इक्वल टू, मुझे बताओ वर्क डन। अब आपको पता है कि पोट एनर्जी क्या होती है, तो वर्क डन पर यू, आप पता है आपको एनर्जी क्या होती है? वर्क डन। वर्क डन बच्चों, तो वर्क डन ही एनर्जी है। तो मुझे बताओ बच्चों v इज इक्वल टू w अपॉन q था, तो बच्चों w क्या हो गया? क्यू वी। मुझे बताओ पॉइंट चार्ज की वजह से v क्या था बच्चों? w इज इक्वल टू q के क्यू अपॉन आर। तो मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी आई के क्यू क्यू अपॉन आर। तो मुझे बताओ बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आपको समझ में आया? डेरिवेशन तो नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है। क्या है बच्चों? आपको पता है कि v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल। आपको पता है डब्ल्यू क्या हो जाएगा? वी क्यू। और आपको ये भी पता है जो वर्क डन है वो एनर्जी के इक्वल होता है? बिल्कुल गुरुजी। कैसे पता है? दोनों की डायमेंशन सेम है। ये भी ML2T-2 है बच्चों, ये भी ML2T-2 है बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों ड्यू टू W इज इक्वल टू, अब इसको U लिख दूं बच्चों? बिल्कुल। V का जो सिंगल पॉइंट के लिए फॉर्मूला था बच्चों क्या था? के क्यू अपॉन आर इंटू क्यू। तो बच्चों U क्या हो गया? के क्यू क्यू अपॉन आर। तो बच्चों प्लस क्यू चार्ज पहले से था, उसको मैं ले आया, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या बन गई बच्चों? के क्यू क्यू अपॉन आर। अब बच्चों पोटेंशियल एनर्जी पर कैसे क्वेश्चन आते इनको समझो बच्चों, इंपॉर्टेंट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी पर क्वेश्चन। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रायंगल दे देगा ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी निकालो ए पॉइंट पे ड्यू टू असेंबलेंस। तो ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज, तो निकाल लेंगे बच्चों, कुछ नहीं है। आपको ए पॉइंट पर पूछा है, तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा? ए पॉइंट पर के क्यू बी की वजह से क्यू अपॉन आर, एक सी पॉइंट की वजह से माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर। अब मुझे बताओ तीसरा, भाई पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, तीसरा ये हो गया, ये हो गया, ये बचा सी, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा एक के क्यू क्यू अपॉन आर हो गया बच्चों, के क्यू क्यू अपॉन आर हो गया, ये बचा माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर। तो बच्चों ये तो कट ही गए, आंसर आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। तो ये थी पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही निकालनी है सिंबल के साथ। अगर मैं बच्चों आपको क्या है दो शब्द और मिलते हैं, एक असेंबलेंस एक डिसेंबलेंस। सिंपल बात करूं आपको क्या है, प्रेयर को क्या कहते थे? प्रेयर असेंबली।
आपको पता है आप लाइन बना के जब जाते थे स्कूल में तो आपको बोलते थे प्रेयर असेंबली में। असेंबली का मतलब होता था असेंबलेंस करना, आना। तो बच्चों अगर मैं क्या कहता है यहां पर बोलता है असेंबलिंग असेंबलिंग पोटेंशियल एनर्जी तो बच्चों उसका मतलब है हमेशा पॉजिटिव वाली। अगर आपको डिसेंबलेंस पोटेंशियल एनर्जी बोल देता है बच्चों, डिसेंबलिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका मतलब है बच्चों नेगेटिव वाली पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा याद रखना, पूरी को निकाल लो पहले, तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं उसके बाद सिंबल पुट कर दो। अब बच्चों और एक दो क्वेश्चन और कराता हूं कैसे न्यूमेरिकल पोटेंशियल एनर्जी पर आ जाते हैं और पोटेंशियल एनर्जी पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आ गया ए बी सी डी, आपसे बोल दिया ये आर ये आर ये आर ये आर, प्लस क्यू प्लस टू क्यू माइनस क्यू प्लस टू क्यू, बच्चों निकालो। अब याद रखना एक पॉइंट ए बी में होगी, ये भी होगी ये भी होगी, ये चार ये भी होगी ये भी, तो छह की वजह से होगी तो ये फोर के क्यू। अच्छा क्यू क्यू नहीं है तो समझ गए सब अलग अलग करना है। तो बच्चों सब चार इनकी वजह से, एक दो तीन चार, दो इनकी वजह से छह, तो छह की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसके अलावा क्वेश्चन आ नहीं सकता। तो बच्चों यहां पर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खत्म। अब आ जाते हैं हम कैपेसिटेंस की तरफ बच्चों। कैपेसिटेंस होता क्या है? कैपेसिटेंस, तो बच्चों एक बार मैं क्या है कैमरा को चेक कर लूं सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं खत्म कर चुका हूं बच्चों लगभग 40 मिनट में। अब आ जाते हैं कैपेसिटेंस की तरफ बच्चों। तो कैपेसिटेंस क्या है? ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल कहानियों के साथ आगे बढ़ता जाऊंगा मैं। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूं बच्चों, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों? आपने बच्चों कंडेंसर देखा है जो आपके पंखे वगैरह में लग जाता है, जैसे पंखा नहीं चल रहा है धीमे धीमे चल रहा है तो आपकी मम्मी या पापा कहते हैं लगता है कंडेंसर फूक गया, तो बुलाते हैं। और आपने ऐसा देखा होगा छोटा सा ऐसा ऐसा, और इसमें वायर से निकले हुए, इसी को बच्चों कैपेसिटर है, उसको बोलते हम कंडेंसर है लेकिन नाम इसका एक्चुअल इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है बच्चों, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस है एक्चुअल में बच्चों। ये करता क्या है बच्चों सुनना, ये क्या करता है, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों जो चार्ज को स्टोर करके रखती है। जैसे एक सिंपल तरीके से आपको मैं कॉन्सेप्ट को बिल्ड करूंगा। सपोज करो हम क्या है, पहले हमें मैच देखने का बहुत शौक था बच्चों, तो हम क्या करते थे, मैं और मेरे मामा का लड़का, हम मैच देखते थे और कभी कभी हमारा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा होता था आईपीएल का और लाइट चली जाती थी बच्चों। तो हम क्या है, हमारे घर में इन्वर्टर था तो हम क्या करते थे इन्वर्टर से ऑन कर लेते थे, एड में टीवी को बंद कर देते थे, फिर मैच आ गया ओवर स्टार्ट हो गया फिर चला लिया, 6 बॉल के बाद फिर बंद कर दिया। अब एक दिन क्या है मम्मी को पता पड़ी और मम्मी आई और हम दोनों को कूट दिया। क्यों कूटा? आज हमें, मुझे जब मैं 12th क्लास में कैपेसिटेंस पढ़ रहा था एक्चुअल में, तब पता पड़ा कि ऐसा हुआ क्यों था। इसलिए हुआ था बच्चों जब हम क्या है बार बार ऑन ऑफ करते हैं ना किसी चीज को, तो वो क्या करता है चार्ज को स्टोर करता है फिर फेंकता है, चार्ज को स्टोर करता है फिर फेंकता है, चार्ज को स्टोर करता है फिर फेंकता है। उससे क्या है एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है बच्चों, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी, तो मुझे बताओ जो बिल है कितना ज्यादा आएगा, तो मुझे बताओ एनर्जी भी ज्यादा जा रही है। तो बच्चों ये रीजन था, लेकिन हम बच्चे थे हमें तो पता नहीं थी, हम सोच रहे थे एड में तो इन्वर्टर को बचा लें। तो बच्चों यही कैपेसिटेंस है चार्ज को स्टोर करके। अगर किसी सिस्टम को बच्चों इनिशियल पुश ना मिले ना तो वो चलेगा ही नहीं। टीवी है अगर उसमें चार्ज पहले से स्टोर नहीं होगा, लाइट नहीं, लाइट आई चार्ज पहले से स्टोर है, उसने तो केवल लाइट ने स्टार्टर का काम किया, तुरंत चार्ज प्रोड्यूस होगा ज्यादा से ज्यादा, तुरंत टीवी फक से चल जाती है। कुछ भी जैसे समरसेबल चलाते हो बच्चों तो एक टन से आवाज आती है, वो क्यों होती है, कैपेसिटेंस में पहले से ही चार्ज स्टोर होता है और वो उसको इनिशिएट करने के लिए पॉसिबल है। जैसे पंखे में अगर कंडेंसर फूक गया तो वो चलता रहता है बच्चों लेकिन हवा नहीं देता है, तो हवा कब देगा, क्योंकि उसको इनिशियल पुश चाहिए, वो मिल ही नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता कैपेसिटेंस को कोई दिक्कत होगी, तो डिफाइन लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज अ विच स्टोर स्टोर चार्ज, जो क्या है चार्ज को स्टोर करके रखे। तो बच्चों कैपेसिटेंस को अगर हम बात करें तो C इज इक्वल टू क्या होता है,
सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो कैपेसिटेंस क्या होगा बच्चों, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो बच्चों ये हुआ क्या बच्चों, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, जितना V बड़ा, जितना चार्ज बढ़ाऊंगा बच्चों उतनी पोटेंशियल बढ़ाऊंगा बच्चों उतनी चार्ज बढ़ेगी, और बच्चों जितना चार्ज बढ़ाऊंगा इस डायरेक्टली के साइन को हटाऊंगा तो तुरंत कैपेसिटेंस आ जाएगा। ये क्या है बच्चों चार्ज, ये क्या है बच्चों पोटेंशियल, और ये क्या है बच्चों कैपेसिटेंस। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, ये क्या है बच्चों कैपेसिटेंस। तो बच्चों चार्ज बढ़ा जब पोटेंशियल बढ़ा, और बढ़ाएगा और बढ़ेगा। तो बच्चों C इज इक्वल टू क्या हो गया QV, डन बच्चों। तो ये Q इज इक्वल टू CV था, C इज इक्वल टू QV, स्टिल क्लियर। अब यहां से एक क्वेश्चन और आ जाता है बच्चों, क्या चार्ज Q और V पे डिपेंड करता है? तो बच्चों ना, क्या चार्ज कभी, क्या कैपेसिटेंस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करता है? ना। तो बच्चों लिखो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, लेकिन कभी भी डिपेंड नहीं करता कि वोल्टेज को बढ़ा दूं तो चार्ज घटेगा या बढ़ेगा। नो, चार्ज डज नॉट डिपेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिपेंड अपॉन वी एंड क्यू, ना पोटेंशियल पे ना। तो किस पे डिपेंड करता है चार्ज? डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है बच्चों चार्ज। अभी बताऊंगा कैसे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अभी आएगा जब आपको पता पड़ेगी। क्रिस्टल क्लियर, आप केवल इतना नोट करो बच्चों। तो कैपेसिटेंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो कैपेसिटेंस होता है हमारा तैयार स्टार्ट। तो बच्चों कैपेसिटेंस को हम क्या है, दो कंडीशनों में लगा सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों। कैसे, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात करूं, कैपेसिटेंस का सिंबल क्या होता है बच्चों, ये डबल पैरेलल बच्चों, बिल्कुल पैरेलल होते हैं, ये होता है, ये ए टर्मिनल बोल सकते हो इसको, बी टर्मिनल। तो बच्चों सीरीज की अगर मैं बात करूं तो एक साथ आ जाना, ये वोल्टेज से कनेक्ट कर दिए। तो बच्चों यहां पर क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसको C1, इसको C2, इसको C3, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, ये वोल्टेज, यहां से यहां क्या होता है बच्चों, जो चार्ज होता है, जो करंट होता है वो सेम होता है। तो बच्चों जो Q होता है यहां पर सीरीज में, Q सेम होता है बच्चों, जबकि जो पोटेंशियल होता है बच्चों वो क्या करता है, डिफरेंट होता है, वेरी करता है, और जो चार्ज कैपेसिटेंस है वो भी। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, Q सेम, V डिफरेंट। बच्चों अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं तो ये कंडीशन C1, C2, C3, ये बैटरी बच्चों V। अगर मैं यहां बात करूं बच्चों तो यहां पर क्या होता है बच्चों, Q आया यहां से Q1, Q2, Q3, लेकिन यहां पोटेंशियल V, 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 V। तो Q क्या होगा बच्चों यहां पर, डिफरेंट, लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करूंगा तो सेम। तो बच्चों ये दो कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसे भी। अब आते हैं आगे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो ये दो बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी बच्चों। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो बच्चों सीरीज पैरेलल, तो बच्चों यहां पर क्या होता है मुझे बताओ, आपको अभी बताया आपके गुरुदेव ने, क्या बताया, सीधी सी बात, C1, C2, C3, यहां से Q गया, मुझे बताओ Q सेम है सब में, बिल्कुल गुरुदी, बिल्कुल गुरुजी। तो मुझे बताओ Q क्या है बच्चों, सेम, लेकिन V क्या है, डिफरेंट। तो बच्चों याद रखना, यहीं से हम इसका डेरिवेशन भी कर लेते हैं, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है बच्चों, तो जो डिफरेंस है उसके रिस्पेक्ट में लिख देते हैं, तो V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मुझे बताओ C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, तो V क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू
सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है बच्चों, तो वी क्या हो जाएगा क्यू अपॉन सी, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा क्यू अपॉन सी वन, क्यू इक्विवेलेंट अपॉन सी इक्विवेलेंट, क्यू वन अपॉन क्यू अपॉन सी वन, क्यू अपॉन सी टू, क्यू अपॉन सी थ्री। बच्चों क्यू इक्वल होता है तो ये कट गया बच्चों, ये क्या आ गया वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। तो बच्चों ये आ गया आंसर। अगर मैं पैरेलल की बात करूं बच्चों, सीरीज का आ गया, अभी टेक्टिक्स भी बताऊंगा। पैरेलल की बात करूं बच्चों, ये बना लो बच्चों, अब आपको पता है यहां से यहां C1, ये C2, ये C3, ये V, यहां Q आया या Q1, Q2, Q3। बच्चों क्या होगा यहां पर Q क्या करता है वेरी या डिफरेंट, और अगर बच्चों V की बात करूं तो सेम। तो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है बच्चों, Q इज इक्वल टू CV, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों C1V प्लस C इक्विवेलेंट V, C1V, C2V, C3V। तो बच्चों यहां से V V V V कट जाएगा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। क्रिस्टल क्लियर। अब एक चीज देखना बच्चों, रेजिस्टेंस का आपको सबको पता है, अगर सीरीज में रेजिस्टेंस की बात करूं R1 प्लस R2 प्लस R3 होता, यहां पर वो काम पैरेलल में होता है C1 प्लस C2, रेजिस्टेंस का उल्टा कर दो बच्चों। डन बच्चों, तो ये कैपेसिटेंस की कहानी थी। अब बच्चों कैपेसिटेंस दो तरह के होते हैं, एक स्पेरिकल और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक स्पेरिकल स्पेरिकल कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, न्यूमेरिकल आते हैं। स्पेरिकल कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस, तो बच्चों ये होता क्या है स्पेरिकल कैपेसिटेंस, तो ये होता है बच्चों C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है बच्चों, बिल्कुल होता है। अब मुझे बताओ अगर Q की बात करूं तो CV होता है बच्चों, मुझे बताओ V को KQ अपॉन R लिख सकता हूं बच्चों, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया C KQ अपॉन R बच्चों। अब मुझे बताओ अगर बात करूं Q इज इक्वल टू C KQ अपॉन R की, अब मैंने अगर मैं बात करूं K की, K को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो ये आ जाओ K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, तो Q इज इक्वल टू C 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। C इज इक्वल टू QV होता है बच्चों, तो QV। तो मुझे बताओ यहां से C इज इक्वल टू QV होता है, C इज इक्वल टू QV, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C अपॉन V हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V, Q इज इक्वल टू C अपॉन V। तो बच्चों C से C गया तो ये क्या आ गया Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपॉन V। कैपेसिटेंस निकालना था ना बच्चों, सॉरी बच्चों थोड़ा सा मैं दोबारा से दिखा देता हूं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, हमें C निकालना है ना। तो बच्चों सबसे पहले अगर बात करूं C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, लेकिन आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, C is equal to Q upon V, पोटेंशियल होता है V is equal to KQ upon R। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, V क्या होता है बच्चों 1 upon 4 pi epsilon not Q upon R, यही होता है बच्चों। अब मैं क्या कर रहा हूं C is equal to क्या होता है बच्चों Q upon V, तो यहां से क्या हो जाएगा Q is equal to CV। अब क्रिस्टल क्लियर है बच्चों, मैं क्या करूंगा V is equal to 1 अपॉन, मैं वहां से दूसरे थ्योरम से लाने की कोशिश कर रहा था बच्चों, लेकिन वहां से आता नहीं, इस Q को रिप्लेस कर दूं CV से, तो इनटू CV अपॉन R। बच्चों V से V गया, अब ये C क्या आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बच्चों अब मैं एक चीज दिखाऊंगा आपको, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, R रेडियस, तो मुझे बताओ साइज पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो जितना बड़ा साइज उतना बड़ा कैपेसिटेंस। डन बच्चों, तो स्पेरिकल कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला था बच्चों, प्रूफ था, आपको पता पड़ गया, इस फॉर्मूले को अपनी डिक्शनरी में डालो, कौन से को, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और C क्या है साइज पे डिपेंड करता है बच्चों इसी फॉर्मूले की वजह से। अब आ जाते हैं बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर, तो बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो क्या होता है दूसरा, पैरेलल प्लेट
कैपेसिटेंस। तो बच्चों यहां होता क्या है, सुन लो थोड़ा, यहां क्या है, सिंपल अगर सी की बात करूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस में डायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो इसकी वजह से जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जो मिलते हैं, इसकी वजह से जो आंसर आता है बच्चों सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आता है। बच्चों इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच में डी डिस्टेंस होता है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ये वैक्यूम की कंडीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये होगा, दोनों का एरिया ये होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो बच्चों ये आप जानते हो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ड्यू टू फ्री स्पेस, ए क्या है एरिया, डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन दो प्लेट के बीच का। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आता कैसे है बच्चों, उसको अगर आपको समझना है तो बच्चों मुझे डीएम करना और मैं आपको तुरंत से नोट प्रोवाइड करा दूंगा इंस्टाग्राम पे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की तो बात ये थी बच्चों, एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब बच्चों क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्यू टू इंसर्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, अगर हम क्या करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल देते हैं तो क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हमने क्या किया, हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमने क्या किया इसमें, थोड़ा बड़ी बना लेता हूं बच्चों, हमने क्या किया इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी बच्चों, कैसी स्लैब डाल दी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी बच्चों। तो ये क्या करेगी बच्चों, इसके बाद कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा, क्या कंडीशन, तो याद रखना बच्चों अब जो सी है वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी नहीं रहता, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के हो जाता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों बच्चों, ऐसा इसलिए इसकी भी तो कुछ थिकनेस होगी, इन दोनों के बीच में डी, ये एरिया, ये एरिया, तो बच्चों d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये क्या है बच्चों डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी है उसका k। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? डन, खत्म खेल। तो डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर इंसर्ट कर देते हैं तो बच्चों कहानी चलती है ये। अब आ जाते हैं बच्चों दो स्पेशल केस, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डालने पर और बैटरी को कनेक्ट रखने पर और ना रखने पर। पहले ही बता दूं 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार बैठा है कल एग्जाम में आने के लिए इन केसों से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब रिमूवल ऑफ बैटरी, पहला केस रिमूवल ऑफ बैटरी और दूसरा केस बैटरी के होने से, यही सेम थ्योरी चेपनी है, बस रिमूवल ऑफ बैटरी इंसर्शन ऑफ बैटरी, बैटरी का होना और बैटरी का ना होना, दो केस है इंसर्शन ऑफ बैटरी। तो बच्चों अभी बताऊंगा दो सेकंड में। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की चीजों पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसके अंदर पड़ी है, अगर हम बैटरी को पहले केस में हटा देते हैं और दूसरे में रखते हैं, रिमेन इंसर्शन ऑफ बैटरी या रिमेन बैटरी। अब बच्चों पहली बात करूं मैं कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों, हमेशा के टाइम बढ़ता है, याद रखना, कभी भी याद रखना, दोनों कंडीशन में, चाहे तो रिमूवल ऑफ बैटरी हो चाहे इंसर्शन ऑफ बैटरी हो, बैटरी हो या ना हो, हमें कैपेसिटेंस क्या है, हमेशा डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से बढ़ता है, क्योंकि कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है, तो अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालता हूं तो के टाइम्स बढ़ता ही बढ़ता है। दूसरा केस बच्चों रिमूवल ऑफ बैटरी के कारण क्या हो जाता है, जो वी होता है, वी आपको पता है के क्यू अपॉन आर होता है बच्चों, वी क्या होता है बच्चों, के क्यू अपॉन आर होता है। अगर मैं V की बात करूं बैटरी के रिमूवल से, तो मुझे बताओ एक हद तक अगर हमने बैटरी को हटा लिया तो पोटेंशियल क्या है, हमने बैटरी को अगर हटा लिया बच्चों तो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर नहीं, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V,
सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो मुझे बताओ बच्चों यहां पर क्या होगा, जो चार्ज है वो तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल। और जो सी है वो बढ़ जाएगा, तो वी बच्चों कम हो जाएगा, तो वी डिक्रीज हो जाएगा बच्चों, रिमूवल ऑफ बैटरी के केस में। इंपॉर्टेंट है बच्चों सारी कहानी। अब मैं क्या है, ये पूरा ना लिख के केबल और केबल लिख देता हूं आपको, इंसर्शन ऑफ रिमूवल ऑफ बैटरी और इंसर्शन, पांच पांच केस हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट हैं, पांच नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, आईआईटी नीट में भी खूब पूछ रहा है। रिमूवल ऑफ बैटरी, कैपेसिटेंस, वो पैरेलल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पीपीसी विदाउट रिमूवल ऑफ बैटरी, विदाउट रिमूवल ऑफ बैटरी, इंपॉर्टेंट बच्चों। रिमूवल ऑफ बैटरी पहला, कैपेसिटेंस की बात करी थी बच्चों, कैपेसिटेंस की, तो ये क्या है, दोनों में के टाइम्स बढ़ता है, दोनों में के टाइम्स बढ़ता है। अगर बच्चों मैंने बात करी थी पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल क्या करता है बच्चों, के टाइम डिक्रीज होता है बच्चों, यहां इंक्रीज हो रहा था, ये यहां पर भी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करूं डिक्रीज क्यों होगा बच्चों, रीजन, क्योंकि यहां पर क्या है, जो चार्ज क्यू है वो कॉन्स्टेंट है। मुझे बताओ यहां पर आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है, यहां पर बैटरी लगी हुई थी बच्चों, अब मैंने ये बैटरी हटा दी, तो मुझे बताओ चार्ज तो जितना है उतना ही रहेगा, तो मुझे बताओ चार्ज कांस्टेंट हो गया, तो मुझे बताओ C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है बच्चों, ये कांस्टेंट है, C आपको पता है के टाइम्स बढ़ेगा, तो ये C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो ये घटेगा। तो बच्चों इसका रीजन क्रिस्टल क्लियर आपको नजर आ रहा होगा। तो तीसरी कंडीशन की बात करूंगा, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो Q है चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट होगा बच्चों। चौथा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों, E इज इक्वल टू dV अपॉन dr होता है, V अपॉन r लिख सकता हूं बच्चों, जब ये डिक्रीज करेगा तो ये भी तो डिक्रीज करेगा, तो E भी डिक्रीज करेगा बच्चों। पांचवा केस बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चों एनर्जी क्या होता है यहां पर, हाफ सी वी स्क्वायर, अभी बताऊंगा जस्ट, C बढ़ रहा है V घट रहा है स्क्वायर का, तो ये टोटल घटेगा तो ये भी घटेगा। तो ये पांचों चीज रिमूवल ऑफ बैटरी वाली ध्यान रखें, केबल कैपेसिटेंस बढ़ता है, चार्ज कांस्टेंट, ये तीनों चीज डिक्रीज। अब इधर बात चलते हैं विदाउट रिमूवल ऑफ बैटरी, तो C क्या है, कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होता है बच्चों। दूसरे नंबर पर अगर बात करूं चार्ज की, तो चार्ज क्या होता है बच्चों, यहां पर यहां तो कॉन्स्टेंट था, यहां बरकरार इंक्रीज हो रहा है बच्चों, बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है, क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि बच्चों जब यहां पर ये है, ये बैटरी है, अब मुझे बताओ रिमूवल है नहीं, तो यहां से जो क्यू है और ज्यादा स्टोर होता जा रहा, होता जा रहा है। तीसरी कंडीशन बच्चों वी, तो वी सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी है बच्चों, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी है, मुझे बताओ ये भी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज, तो ये जो V है बच्चों यहां पर, ये क्या हो जाता है बच्चों, कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज ही तो बढ़ रहा है, जो V है, जो पोटेंशियल है वो होता है बच्चों कांस्टेंट। चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूं, ये हो जाता है कांस्टेंट। चौथे नंबर पर E, E भी क्या हो जाता है बच्चों, कांस्टेंट। और पांचवें नंबर पर बात करूं U, एनर्जी, हाफ सी वी स्क्वायर, ये भी क्या हो जाती है बच्चों, कांस्टेंट। यहां दो बढ़ते हैं और तीन कांस्टेंट होते हैं, जबकि यहां पर क्या, शायद वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है बच्चों, यहां इंक्रीज, इंक्रीज, हाफ सी वी स्क्वायर है ना, तो सी क्या है, बढ़ेगा, और वी 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 कांस्टेंट है, तो ये बढ़ेगी, इंक्रीज। तो बच्चों यहां दो कांस्टेंट, दो इंक्रीज, और एक दो कांस्टेंट और दो इंक्रीज और तीन कांस्टेंट, जबकि यहां तीन इंक्रीज और दो कांस्टेंट, यहां पर एक दो तीन डिक्रीज, एक कांस्टेंट, एक इंक्रीज। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट था, आप अपनी कॉपी में जरूर डालें बच्चों इसको। तो बच्चों ये था हमारा कैपेसिटेंस, अब चलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस के बाद हम इसके डेरिवेशन, डायलेक्ट्रिक स्लैब वाला भी इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के वाला। तो बच्चों इन दोनों के जो डेरिवेशन है वो डीएम कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा डेरिवेशन, कौन कौन से, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी वाला, और C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी
प्लस टी अपॉन के। हालांकि इस वाले फॉर्मूले से सब हो जाते हैं, तीन नंबर में आने की प्रोबेबिलिटी है बच्चों। डन। अब आ जाते हैं बच्चों एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, पोटेंशियल की कैपेसिटेंस की एनर्जी क्या होती है? तो बच्चों यू होती है यहां पर हाफ सी वी स्क्वायर भी हो सकती है। अब आपको पता है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, तो बच्चों यू इज इक्वल टू हाफ क्यू अपॉन वी वी स्क्वायर। तो एक वी गया तो यू आ गया हाफ क्यू वी। दूसरा फॉर्मूला एनर्जी ये भी हो सकती है, पहला ये भी हो सकती है, तीसरा सी हो गया था, अब क्या है सी हो गया था, अब वी क्या होता है क्यू अपॉन सी। खत्म करो तो यू इज इक्वल टू हाफ हाफ, तो सी की जगह सी, वी की जगह क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक सी, तो क्या आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। इन तीनों तीनों फॉर्मूलों को अपनी डिक्शनरी में डालो बच्चों। कौन कौन से फॉर्मूलों को, हाफ सी वी स्क्वायर बच्चों, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी बच्चों, और बच्चों हाफ क्यू वी। इंपॉर्टेंट है बच्चों ध्यान, मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं बच्चों, और ये होता है हमारा चैप्टर समाप्त एनर्जी डेंसिटी के साथ। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला और आपके गुरुजी बताएंगे, और फिर हम चलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो तीसरा फॉर्मूला बच्चों, तीसरा की एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बच्चा, एनर्जी डेंसिटी होता है, एनर्जी डेंसिटी कभी भी डेंसिटी शब्द आ जाए ना बच्चों, जैसे मैंने ग्रेडियंट बताया था तो अपॉन एन, डेंसिटी का मतलब होता है बच्चों पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम शब्द आ जाए। तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो बच्चों यहां से जब हम टैकल करते हैं ना तो ये आता है हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन ए इंटू एल। तो बच्चों यहां से जब आंसर चेक करते हैं तो आंसर आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन आए बच्चों याद रखना। तो बच्चों सेकंड चैप्टर हमारा यही होता है खत्म। अब मैं थोड़ा सा टाइम देख लेता हूं बच्चों कितना हुआ, थर्ड चैप्टर को मुझे स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो बच्चों हम इसको भी, हम क्या है थर्ड चैप्टर को भी स्टार्ट कर लेंगे अगली वीडियो में। तो मैं आपका निशान चौधरी, आपको अगर मजा आया हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों, लाइक करो सब्सक्राइब करो, धन्यवाद बच्चों। हेलो बच्चों, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉम्रेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था कि पहले तीन चैप्टरों को खत्म करवाऊंगा। तो बच्चों मैं पहला वन शॉट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स पर बना चुका हूं, जिस भी भैया ने नहीं देखा है मेरा डाले साइंस कॉम्रेड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो बच्चों जल्दी से उसको फटाफट देख के आए, एक डेढ़ घंटे की वीडियो है। दूसरा पार्ट जिन भी भैयाओं ने नहीं देखा है, दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिन भी भैयाओं ने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तुरंत से झटपट देख के आए, क्योंकि इनके अलावा बोर्ड में कहीं से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। केवल और केवल मैंने बेस्ट बेस्ट से बेस्ट न्यूमेरिकल जहां से पूछे जा सकते हैं और बेस्ट से सारे जितने भी फॉर्मूले हैं सब कंसीडरेशन उन वीडियो में मैंने कराया है। तो बच्चों आज तीसरे नंबर का वन शॉट रहने वाला है, जिसमें आपके गुरुजी पढ़ाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों हेडिंग डालो करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, और वन शॉट के जरिए इसको भी हम खत्म करेंगे। मैं बच्चों आपको पहले ही बता दूं कि मैं एक भी टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, और जो जो इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से आपके दिमाग में डालते हुए इस चैप्टर को खत्म करूंगा। और बच्चों डेरिवेशन की अगर मैं बात करूं तो डेरिवेशन तो नहीं कराऊंगा, लेकिन जिन भी भैयाओं को डेरिवेशन चाहिए, या तो आपके नोट्स होंगे या किसी दूसरे यूट्यूबर पे
अब तो मैं ये कहूंगा कि आप एनसीईआरटी या किसी के नोट्स फॉलो करो, और अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम साइंस कॉमरेड पर डीएम कर देना, मैं आपका नंबर लेके व्हाट्सएप पे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले बच्चों करंट होता क्या है, अगर मैं करंट की बात करूं बच्चों तो करंट क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम या फ्लो ऑफ चार्ज, इसी को हम करंट कहते हैं। तो बच्चों करंट का सिंबल है आई, और आई क्या है, क्यू अपॉन टी बच्चों। तो करंट क्या है, चेंज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी बच्चों। आपको मैंने पहले चैप्टर में मैंने एक फॉर्मूला और पढ़ाया था, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी बच्चों, क्यू चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला क्या बताया था गुरुजी ने आपके ने, तो चार्ज इज इक्वल टू एन का मतलब था इंटीजर, कि चार्ज आधा पादा नहीं जाता, जाता है तो एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरा जाता है। E क्या है, 1.6 × 10⁻¹⁹। तो बच्चों करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू Q की जगह क्या लिख दूं, प्लस माइनस एन ई अपॉन टी। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की भाषा में अगर मैं बात करूं तो इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान रखोगे, करंट के प्लस माइनस एन ई अपॉन टी। अगर बच्चों करंट की बात हम छोटे स्मॉल करंट के लिए करें तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, तो याद रखना स्मॉल चेंज इन चार्ज के लिए बात करें तो आई हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी प्लस माइनस क्यू इजिकल टू प्लस माइनस एन ई। तो बच्चों इसको भी आप नोट करें, अगर बच्चों ये बात स्मॉल चेंज के लिए थी तो लार्ज चेंज के लिए क्या हो जाएगी, ये इंस्टेंटेनियस कंडीशन को स्पेसिफाइड करेगा बच्चों। जबकि अगर मैं बात करूं आई एवरेज की बात करूं, आई एवरेज के लिए ये इंस्टेंटेनियस करंट है बच्चों डी क्यू अपॉन डी टी, जबकि आई एवरेज की बात करूं तो बच्चों डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्रिस्टल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, लार्ज चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम, क्रिस्टल क्लियर। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी आपका क्रिस्टल क्लियर हुआ बच्चों। तो एक और चीज लिखनी है बच्चों करंट में, तो करंट का फॉर्मूला मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। करंट क्या है बच्चों, करंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है कि क्या है, तो बच्चों याद रखना करंट स्केलर क्वांटिटी है। अब आप कह रहे होंगे गुरुजी आप क्या गलत सलत पढ़ा रहे हो, मैं बच्चों में कुछ गलत सलत नहीं पढ़ा रहा, एक्चुअल में तुम्हारे सिलेबस में जो करंट है स्केलर क्वांटिटी है। अब मुझे आप गुरुजी एक चीज बता दो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहां से करंट आ रहा है, ये 5 एम्पियर करंट आया, यहां पर 3 एम्पियर करंट गया, यहां एक सेकेंड बच्चों एरो गलत बना दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, 5 एम्पियर करंट आ रहा है, 3 एम्पियर करंट आ रहा है, यहां पर 8 एम्पियर करंट। अगर मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों के बीच में 60, अब मैं ऐसे ले आया 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, फिर से 8 एम्पियर। तो इस एंगल या थीटा पे डिपेंड नहीं करता कुछ भी, कहने का मतलब है अगर वेक्टर क्वांटिटी होता तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस वेक्टर के एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो करता। ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय डायरेक्शन तो है, बिल्कुल है, मैग्नीट्यूड भी है। तो बच्चों वेक्टर के लिए मैंने एक कंडीशन नहीं बताई थी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस एल्जेब्रिक रूल। लेकिन बच्चों अगर स्केलर की बात करते थे बच्चों तो स्केलर में भी तो गुरुजी आपने मैग्नीट्यूड बताया था, डायरेक्शन थोड़ी ना बताया था। तो एक्चुअल में बच्चों अगर बड़ी क्लास में पढ़ते हैं ना तो जो करंट है वो टेंसर क्वांटिटी है बच्चों, लेकिन हमारे सिलेबस में टेंसर है नहीं, इसलिए स्केलर क्वांटिटी को स्पेसिफाइड करते हैं। क्रिस्टल क्लियर हुआ बच्चों, चाहे इसको देखो चाहे इसको देखो, आंसर 8 एम्पियर ही आएगा। तो इससे ये इंडिकेट लगता है बच्चों कि डायरेक्शन कुछ तो दे रहा है लेकिन एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है बच्चों, इसलिए ये वेक्टर नहीं है। रीजन पूछ लिया जाता है बच्चों, व्हाई करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बट स्पेसिफाइड अ डायरेक्शन, बिकॉज तो आपको पता है डायरेक्शन तो है लेकिन एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करता। तो बच्चों ये थी बात करंट की, अब चलते हैं बच्चों आगे, अब आ जाते हैं बच्चों सेकंड टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों वो है, सपोज करो कोई कंटेनर है, कोई मैंने कंडक्टर ले लिया, उसको मैंने बैटरी से कनेक्ट करा दिया। अब मैंने जब बैटरी से इसको कनेक्ट करा दिया बच्चों, इस कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रॉन होंगे अपनी लैटिस में। जैसे ही मैंने चार्ज फ्लो कराना स्टार्ट करा, करंट फ्लो स्टार्ट किया, तुरंत यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, तो यहां से मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन रिपेल कराने लग गए। यहां से पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई। तो मुझे बताओ यहां से जो ये इलेक्ट्रॉन है अपने जो पोजीशन थी, लैटिस थी, जो लैटिस से बाहर निकलना स्टार्ट होंगे। जैसे सपोज करो मैं हूं, मैं यहां पर आपको एक कमरे में पढ़ा रहा हूं, अब मेरे कमरे के बाहर कोई आए और आग लगा दे तो क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा? नहीं, मैं अपनी पोजीशन को तुरंत छोड़ के भग जाऊंगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, ये क्या है, भगड़ा दौड़ी मच जाती है इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में। और ये क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ 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 जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने लगते हैं नेगेटिव से। मुझे बताओ क्या ये स्ट्रेट लाइन में दौड़ेंगे बच्चों? ना, ये जिगजैग मोशन में दौड़ेंगे। कुछ हो सकता है सीधे भी जाएं, लेकिन ज्यादातर कोलिजन एक दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, क्योंकि लाखों हजारों क्या है इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। तो बच्चों जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जब एक एक से लेके हजार सपोज करो इलेक्ट्रॉन है, तो जब हजार के हजार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से और ड्यू टू कोलिजन की वजह से जब यहां पर पहुंच जाएंगे, उसको कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है बच्चों ड्रिफ्ट कराने में जो यूज होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। जैसे आग की वजह से मैं कमरे को छोड़ के भग गया था, ऐसे ही क्या है इलेक्ट्रॉन सारे जितने भी है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाने लगेंगे। अब बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, इसका जो फॉर्मूले है वहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों इनिशियली अगर मैं बात करूं, इनिशियली इस कंटेनर में इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन अपनी लैटिस पे होंगे। अगर मैं कहूं विदाउट एप्लीकेशन ऑफ बैटरी, तो बच्चों जो यू इनिशियल होगा वो जीरो होगा। कहने का मतलब है जो यू थर्मल होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, लेकिन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ बैटरी बच्चों, बैटरी को लगाने के बाद जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, भगदड़ दौड़ी मचना स्टार्ट कर देंगे, ये शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये जिगजैग करना स्टार्ट हो जाएंगे, कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव। जितने भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ 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 सारे यहाँ पहुंच चुके होंगे बच्चों। तो मुझे बताओ बाद में कुछ वेलोसिटी होगी? बिल्कुल। तो क्या कंडीशन होगी, क्या है? तो बच्चों यहां पर याद रखना, यहां पर हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। तो बच्चों कितना फोर्स लगेगा, क्या लगेगा? तो बच्चों यहां से एक फॉर्मूला स्पष्ट होता है कि जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू u प्लस at, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बच्चों जीरो है, v इज इक्वल टू at। अब बच्चों a कैसे निकाला जाए? तो आपको पता है बच्चों फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है बच्चों। आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है, तो एम ए इज इक्वल टू क्यू ई। तो बच्चों यहां से एक चीज आप स्पष्ट करोगे, ये क्या है बच्चों, q इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सेलरेशन, तो a क्या आ गया, ee अपॉन m। तो बच्चों यहां पर पुट कर दूं तो वेलोसिटी आ गई ee अपॉन m इनटू t। डन बच्चों, यही है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों vd का फॉर्मूला क्या बन गया, माइनस ई टाउ अपॉन एम, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस भी लगा देते हैं बच्चों। अब ये टी की जगह टाउ प्रोनंसिएशन होता है बच्चों, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो बच्चों मैं अभी लिख देता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कहानी आपको समझ आई होंगी। इसका डेरिवेशन जिन भी भैया को चाहिए मुझे तुरंत आप डीएम कर दें इंस्टाग्राम पे, मैं तुरंत आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया बच्चों, माइनस ई टाउ अपॉन एम। आया कैसे बच्चों, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है बच्चों। एसिलेशन कैसे निकाला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसिलेशन होता है, ये क्यू इज इक्वल टू एम ए है, यहां से ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? तो क्यू क्या हो जाएगा, माइनस ई अपॉन एम इंटू ए। तो यहां पुट कर दिया बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था बच्चों, u जीरो है, तो vd क्या हो गया बच्चों, माइनस ई टाउ अपॉन m, ये क्या हो गया m। तो बच्चों यहां से क्रिस्टल क्लियर? तो बच्चों क्या फॉर्मूला बना, माइनस ई टाउ अपॉन m। अब देख लेते हैं इसमें कौन क्या चीज है।
तो ई क्या है बच्चों, ये किसी भी चीज का मोहताज नहीं है, ये चार्ज है बच्चों इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ई क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टाउ क्या है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। यहीं पर नोट लिखे हैं रिलैक्सेशन टाइम, क्वेश्चन आया है अगर मैं क्या करूं रिलैक्सेशन टाइम को, तो रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करता है बच्चों, तो मेटेरियल पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बच्चों, मेटेरियल एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, अगर हम क्या करें रिलैक्सेशन टाइम को कम कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा। मुझे बताओ, जब रिलैक्सेशन टाइम को कम कर दोगे तो रिलैक्सेशन टाइम है क्या, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो भी टाइम, जैसे सपोज करो ए इलेक्ट्रॉन है बी इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों जब एक दूसरे से टकराते हैं तो जो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो टाइम मिलता है रिलैक्स करने का, उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। मुझे बताओ, हपड़ा तपड़ी जब मचेगी इलेक्ट्रॉनों के बीच में तो वो भगना स्टार्ट करेंगे, तो सपोज करो जब तक वो पॉजिटिव चार्ज तक, पॉजिटिव टर्मिनल तक नहीं पहुंच जाएंगे तो हजारों बार एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, तो हजारों के बीच में अगर मैं एक कोलिजन की बात करूं तो उसके बीच में कुछ ना कुछ समय तो मिलेगा, उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहता हूं। और अगर हजारों मॉलिक्यूल्स के, हजारों कोलिजन के बीच में थोड़ा थोड़ा है, उन सबको जोड़ दूंगा तो उसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोलता हूं बच्चों। तो रिलैक्सेशन टाइम मेटेरियल पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बच्चों। अगर रिलैक्सेशन टाइम को घटा दूंगा तो मुझे बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बिल्कुल। मुझे बताओ, जल्दी जल्दी पार्टिकल जब वाइब्रेट करेंगे तो जल्दी जल्दी पहुंचेंगे कि धीमे धीमे, तो बहुत जल्दी जल्दी पहुंचेंगे बच्चों। तो मुझे बताओ, अगर इसको मैं बढ़ा दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करेगी, बहुत बढ़ जाएगी वो। अगर रिलैक्सेशन टाइम को घटा दिया तो ड्रिफ्ट से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और रिलैक्सेशन टाइम को बढ़ा दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी बच्चों। क्रिस्टल क्लियर? तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था, एम से किसको इंडिकेट करते हैं बच्चों, मास को। क्रिस्टल क्लियर? मास। तो बच्चों ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में। तो क्या है बच्चों, माइनस ईई टाउ अपॉन एम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, वो वेलोसिटी जो क्या करे हर इलेक्ट्रॉन को, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर को क्या करे, शिफ्ट करा के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक लाके छोड़े, उसको ही क्या कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद आ जाते हैं मोबिलिटी पर बच्चों। मोबिलिटी, इस फॉर्मूले पर पुट द वैल्यू गेट द आंसर क्वेश्चन आता है बच्चों। मोबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है बच्चों, पहले समझें, इसको म्यू से इंडिकेट करते हैं बच्चों। मैंने क्या किया, एक मेरे पास छोटा 10 ग्राम का पत्थर है और एक 10 केजी का पत्थर है, मुझे बताओ किसको दूर फेंक दोगे, तो 10 ग्राम वाले को, 10 केजी वाला तो उठेगा भी नहीं। तो बच्चों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मोबिलिटी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्चुअल में मोबिलिटी है क्या बच्चों, तो मोबिलिटी है बच्चों म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई। अब आप कह रहे होंगे ये क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मुझे बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, माइनस ई टाउ अपॉन एम, यही आया था बच्चों। तो मुझे बताओ म्यू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ई टाउ अपॉन एम ई, तो ई से ई गया तो म्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस ई टाउ अपॉन एम। बच्चों मुझे बताओ मास पे डिपेंड कर रही है, यस। तो बच्चों म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है, अगर हैवी मास है, 10 ग्राम वाला मास था तो क्या है दूर जाएगा, और अगर 10 केजी वाला मास है उठेगा ही नहीं, पास। डन बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मोबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट बच्चों खत्म। मोबिलिटी होता क्या है, वीडी अपॉन ई, वीडी का फॉर्मूला लगाया तो माइनस ई टाउ अपॉन एम। इस पे न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी है बच्चों, जरूर से नोट करें, माइनस ई टाउ अपॉन एम। डन बच्चों, तो मोबिलिटी भी बच्चों आपका होता है खत्म। अब आ जाते हैं बच्चों आगे, तो मोबिलिटी हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। अब आगे अगर हम बात करें तो किस टॉपिक पर बात करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे बच्चों आगे रेजिस्टेंस पर, कंडक्टेंस पे, रेजिस्टिविटी पे, कंडक्टिविटी पे, और सबसे पहले, उससे पहले करंट और बीडी के रिलेशन की, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी के रिलेशन की
बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, न्यूमेरिकल भी पूछे जा रहे हैं, डेरिवेशन भी, इसका भी डेरिवेशन अगर आपको चाहिए बच्चों तुरंत डीएम करें, अब नहीं बताऊंगा, आपको कोई भी डेरिवेशन चाहिए मुझे डीएम कर सकते हो, मैं तुरंत पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बच्चों अगर मैं बात करूं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है वो आप याद रखेंगे, वीना वीना ये याद रखोगे बच्चों, वीना ये याद रखोगे। अब क्या कह रहे हैं गुरुजी आपसे, आपके गुरुजी ये कह रहे हैं आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, वी ना, एन ई ए वी डी, वी ना, कहने का मतलब है बच्चों इस ट्रिक को भी याद रख सकते हैं, वीना वीना भाभी, कहने का मतलब है बिना नाम होता है तो उसी से। तो अब है क्या बच्चों ये रिलेशन आता कैसे है, तो ये डेरिवेशन है, आई से क्या है करंट, एन से बच्चों इंपॉर्टेंट नंबर डेंसिटी बच्चों, और नंबर डेंसिटी क्या होती है बच्चों याद रखना बच्चों, ग्रेडियंट कभी किसी शब्द के नीचे आ जाए हमेशा लेंथ, डेंसिटी कभी किसी शब्द के नीचे आ जाए वॉल्यूम, बताया था एनर्जी डेंसिटी। तो बच्चों नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, एक बार बच्चों चेक कर लूं मैं वीडियो चल रही है कि नहीं और ये आ रहा है कि नहीं, तो बच्चों सही चल रही है और ये भी सही आ रहा है। तो बच्चों आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, वीना का एन ई ए वी डी का, नंबर डेंसिटी क्या होती है बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन, ए क्या है बच्चों एरिया, वी डी क्या है बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये रिलेशन आपको क्रिस्टल क्लियर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इससे न्यूमेरिकल तीन नंबर का आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है बच्चों, क्रिस्टल क्लियर। अब आ जाते हैं बच्चों करंट डेंसिटी, तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है करंट डेंसिटी भी, करंट डेंसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज दिखाऊंगा आपको जो कॉन्सेप्ट को चेक करती है करंट डेंसिटी। अगर करंट डेंसिटी की बात करूं बच्चों, करंट डेंसिटी को इंडिकेट करते हैं जैसे, बच्चों आपके गुरुजी ने बताया था कभी भी डेंसिटी शब्द आ जाए तो पर यूनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन बच्चों यहां याद रखना करंट डेंसिटी क्या होता है, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। अब आप कह रहे होंगे ये तो गड़बड़ हो गई बच्चों, करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, लेकिन बच्चों याद रखना जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए एन कैप, ये होता है एक्चुअल में। अब आप कह रहे होंगे ये क्या है बच्चों, ये यूनिट वेक्टर है, आपको पढ़ाया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में, यूनिट वेक्टर क्या काम करता है, जिसका मैग्नीट्यूड बच्चों एक होता है और डायरेक्शन होता है इसका स्पेसिफिकेशन डायरेक्शन के लिए। तो बच्चों मुझे बताओ अगर इसको आप फॉर्मूला में बात करता था एन कैप का, एन वेक्टर अपॉन एन में मोड, तो मुझे बताओ जे का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, आई अपॉन ए एन वेक्टर अपॉन एन में मोड, तो मुझे बताओ एरिया इनटू लेंथ, तो ये वॉल्यूम ही हो गया बच्चों। तो मैंने आपको स्पष्ट करा दिया, लेकिन याद आपको जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए रखने, क्योंकि बात से मुकरना नहीं है बच्चों, कंफ्यूज होते हैं बच्चों, मैं हुआ था, क्योंकि डेंसिटी शब्द का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन यहां तो एरिया है, लेकिन इसको भूल जाते हैं। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, तो जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए बेसक होता है लेकिन यूनिट वेक्टर भी होता है, तो बच्चों इसको भी नोट करो अच्छे से, डन बच्चों। तो ये था करंट डेंसिटी की कहानी बच्चों, करंट डेंसिटी भी आपका क्रिस्टल क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है, तो बच्चों रेजिस्टेंस की अगर बात करूं मैं, तो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस जो क्या करे हिंडर प्रोवाइड करे करंट को, इसको आर से इंडिकेट करते हैं बच्चों, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, आप सभी को पता है रो एल अपॉन ए होता है बच्चों, इसको क्या कह दें हिंडर जो प्रोवाइड करे करंट को, हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ करंट, इन द पाथ ऑफ करंट, बच्चों जो करंट में हिंड्रेंस प्रोवाइड करे उसी को हम क्या कहते हैं रेजिस्टेंस। तो बच्चों अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस एल और ए पे डिपेंड करता है, नो, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया, कभी भी रेजिस्टेंस सॉरी रेजिस्टेंस एंट्रेंस इन द पाथ ऑफ करंट, सॉरी तो रेजिस्टेंस क्या है एल और ए पे डिपेंड करता है वो आगे बताऊंगा बच्चों थोड़ा सा। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए,
क्रिस्टल क्लियर बच्चों। अब मैं आगे आता हूं बच्चों, मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं यहां से, तो अब मैं आ रहा हूं कंडक्टेंस पे। कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों? बच्चों अगर मैं रेजिस्टेंस को आर से इंडिकेट करता हूं, तो कंडक्टेंस को जी से इंडिकेट करता हूं, और जो भी है आप देख लेना। बच्चों अगर कंडक्टेंस की बात करता हूं, ये हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है इन द पाथ ऑफ करंट। मैं कह दूं ये क्या करता है, इजी आसानी से पास करने देता है, इज इन पाथ ऑफ करंट, करंट को आसानी से पाथ को पास करने देता है बच्चों। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों G इज इक्वल टू 1/R। एक और शब्द बोल दूं मैं, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही बात बच्चों, रो L अपॉन A, ये हो गया बच्चों। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसकी ऐसा यूनिट है ओम, और इसकी है बच्चों ओम इनवर्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों, ये ओम का सिंबल है, OHM का। रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया बच्चों। अब बारी है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी की बच्चों। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं बच्चों? तो अब आ जाते हैं आगे, तो रेजिस्टिविटी को ही बच्चों क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तब अब क्या कर रहा है सीबीएसई, रेजिस्टिविटी ना दे के शब्द देता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या दे रहा है बच्चों? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और बच्चे हो रहे हैं हमारे बहुत ज्यादा कंफ्यूज, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बच्चों इसमें क्या है, इसका जो सिंबल है वो है बच्चों रो से। आपको पता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, तो मुझे बताओ रो क्या हो जाएगा बच्चों, R A अपॉन L। तो बच्चों ये क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होती क्या है बच्चों, जो रेजिस्टेंस को ऑफर करे। क्यों? अगर मैं एरिया को 1 meter square बोल दूं और लेंथ को 1 meter बोल दूं, तो जो रो है वो आर के इक्वल हो जाएगा बच्चों। क्यों? 1/1। तो यही है जो रेजिस्टेंस को ऑफर करे, उसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी बच्चों। क्रिस्टल क्लियर एक तरीके से स्कूल है, प्रिंसिपल और टीचर। जो प्रिंसिपल है रेजिस्टिविटी है, और जो टीचर है वो रेजिस्टेंस है। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? तो बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहे होंगे बच्चों। अब आ जाते हैं बच्चों कंडक्टिविटी पर, तो कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। कंडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं और कप्पा से भी इंडिकेट करते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो बच्चों सिग्मा क्या हो जाता है बच्चों, याद रखना, अगर कंडक्टिविटी को मैं बोल दूं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो कोई गलत बात है क्या? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी तो बिल्कुल गलत बात नहीं है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर ए। क्रिस्टल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो ये थी कंडक्टिविटी की कहानी। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? डन मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चारों कॉन्सेप्ट भी आपके खत्म कर दिए मैंने। अब आ जाते हैं बच्चों ओम्स लॉ, फिर से लौट के आएंगे ओम्स लॉ और इनके एक्सप्रेशन। तो बच्चों रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन पर लौट के आएंगे, सबके एक्सप्रेशन पर लौट के आएंगे। तो बच्चों अगर मैं बात करूं ओम्स लॉ, तो बच्चों ओम्स लॉ होता क्या है? अगर मैं बात करूं बच्चों एट अ स्पेसिफिक कंडीशन, सारी फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट में रखा जाए, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और जो भी कंडीशन है, जितनी भी फिजिकल कंडीशन है सबको कांस्टेंट में रखा जाए, तो वो जो V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। तो बच्चों अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, तो V क्या हो जाता है, आर आई। तो V इज इक्वल टू आर आई, क्या है V इज इक्वल टू आर आई, यही क्या है ओम्स लॉ बच्चों। एट सेम फिजिकल conditions, सेम फिजिकल कंडीशन पर जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, फिजिकल conditions या constant conditions। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? इसका ग्राफ क्या होता है बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो बच्चों क्या ग्राफ आता है इसका, y पर क्या लगेगा v और x पर i, जब ये सीधा स्ट्रेट, इसी को क्या कहते हैं स्लोप। तो tan थीटा इज इक्वल टू r, क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा v अपॉन i। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा ओम्स लॉ। तो बच्चों स्पेसिफिक कंडीशन पर डिपेंड करता है, और जो बच्चों नॉन ओमिक होते हैं वो ऐसा ग्राफ ना शो करके
अनकटोटा सा ग्राफ शो करते हैं, तो ओम्स लॉ को जानने क्यों आपको इंपॉर्टेंस था। अब बच्चों मैं आपसे पूछूं कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा आपको असमंजसी होगी। क्यों, आ जाओ, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया। V इज इक्वल टू आर आई होता है बच्चों, R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है। क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करता है बच्चों? नो, याद रखना ओम्स लॉ स्पेसिफाइड करता तो है लेकिन जो रेजिस्टेंस है डज नॉट डिपेंड। बच्चे यहां से क्या है, करंट बढ़ाया वोल्टेज बढ़ाया रेजिस्टेंस पे ऊपर नीचे कर देते ना, केवल और केवल रेजिस्टेंस क्या है लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है बच्चों। इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत ज्यादा। अब आ जाते हैं बच्चों आगे, अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी की तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है बच्चों? तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है बच्चों टेम्परेचर और मेटेरियल पे। इसको भी लिखो बच्चों, रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड मेटेरियल पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्यों, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है बच्चों, तो रो क्या होगा आर ए अपॉन एल, इन दोनों पर डिपेंड नहीं करती। तो जो फॉर्मूला है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उन्हीं चीज पर डिपेंड करें, इसलिए ये पॉइंट लिखा रहा हूं बच्चों। ये एक एक दो दो नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं नींद उड़ा देते हैं, इंक्रीज डिक्रीज, तो वो कॉन्स्टेंट ही मिलती है बच्चों। अब आ जाते हैं, अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नंबर डेंसिटी के टर्म में, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला बनता है बच्चों? तो याद रखना रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनता है R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाऊ ए, ये बनता है बच्चों। अगर मैं आपसे बात करूं तो बच्चों ये है क्या एक्चुअल में, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो आपको पता है रो एल अपॉन ए है लेकिन नंबर डेंसिटी के व्याप पर पूछा था R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाऊ ए। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें देखो क्या क्या चीज है, एम क्या है बच्चों मास, एल क्या है बच्चों लेंथ, एन क्या है बच्चों नंबर डेंसिटी। बच्चों आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन, बच्चों टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम, किस पे डिपेंड करता है मटेरियल पर और टेम्परेचर पर, ए क्या है बच्चों एरिया। इंपॉर्टेंट है बच्चों एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाऊ ए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नंबर डेंसिटी के टर्म में, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी खेल जाता है बच्चों। अब रेजिस्टिविटी की मुझे जरूरत नहीं है बच्चों, यहीं से कंपैरिजन करा दूंगा आपको, आप बस भरोसा रखो बच्चों सारे कॉन्सेप्ट को आपके गुरुजी क्रिस्टल क्लियर करा रहे हैं। आज आपके हाथ में 17 नंबर के कॉन्सेप्ट रख देंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बस आपको 3 घंटे की वीडियो देखनी है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की। तो R इज इक्वल टू क्या था बच्चों एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाऊ ए, मुझे बताओ बच्चों R क्या होता है रो एल अपॉन ए, आपको कुछ दिख रहा है बिल्कुल L अपॉन A दिख रहा है, मुझे बताओ जो बाकी बचे कुछ शब्द हैं और क्या उसको रो बोल दूं, बिल्कुल। तो रो का फॉर्मूला आ गया M अपॉन एन ई स्क्वायर टाऊ, तो बच्चों ये भी स्पष्ट हुआ रो के फॉर्मूले को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। रेजिस्टिविटी को ये क्या है बच्चों मास, ये क्या है नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेशन टाइम, तो बच्चों ये भी कॉन्सेप्ट आपका खत्म हुआ। तो बच्चों नंबर डेंसिटी के फॉर्मूले में अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो ओम्स लॉ कैसे डिफाइन हो जाएगा, तो आप कर लेंगे बच्चों। तो ओम्स लॉ इन टर्म ऑफ नंबर डेंसिटी, ये क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों, ओम्स लॉ इन टर्म ऑफ नंबर डेंसिटी,
क्या करना है बच्चों, V इज इक्वल टू क्या होता है, आर आई, पुट मारो R की जगह एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए इंटू आई। तो बच्चों यही चीज है, ये R है, यही तो R है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, कभी V कभी I पूछ सकता है बच्चों, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। क्रिस्टल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सारे कॉन्स्टेंट टर्म है। क्रिस्टल क्लियर, अब ओम्स लॉ भी हो गया, सारी चीजें हो गई। अब आ जाते हैं बच्चों, ओम्स लॉ के बाद हमारी चीजें आ जाती है थोड़ा सा रेजिस्टेंस के ऊपर, कि रेजिस्टेंस को दो तरीके से हम लगा सकते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस। तो बच्चों रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगा सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की अगर बात करें बच्चों, रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है ना, पहले तो ये होता है बच्चों, ए टर्मिनल बी टर्मिनल, ये होता है रेजिस्टेंस का सिंबल। तो बच्चों सीरीज की अगर बात करूं, बच्चों आर वन आर टू आर थ्री ये वोल्टेज है बच्चों। अगर सीरीज की बात करूं बच्चों, यहां से करंट आया, मुझे बताओ यहां पर करंट सेम है क्या? बिल्कुल गुरुजी, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है बच्चों। जबकि अगर पोटेंशियल की बात करूं तो वी वन वी टू वी थ्री तीनों में डिफरेंस। तो बच्चों वी क्या करता है, वेरी करता है, तो इन दोनों पॉइंटों को अपने दिमाग में डालें। कैपेसिटेंस में भी हालांकि मैंने बताए थे। अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, वोल्टेज R1, R2, R3, ये कैसे हैं बच्चों, ये करंट I आया, यहां I1 गया, यहां I2 गया, यहां I3 गया। बच्चों I क्या कर रहा है, वेरी, बिल्कुल दिमाग में डालें। जबकि ये भी V1, V, ये भी V, ये भी V, तो V क्या है बच्चों, सेम। तो इन दोनों चीजों को डालें बच्चों दिमाग में, इन्हीं से आपके कॉन्सेप्ट डेरिवेशन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब आ जाते हैं बच्चों आसानी से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, कि कैसे क्या क्या फॉर्मूले हमारे बनते हैं। तो बच्चों आ जाओ, तो यहां पर क्या है, सीरीज वाली कहानी, यहां पर पैरेलल, तो पहले सीरीज वाली टैकल कर लेते हैं बच्चों। यहां वोल्टेज बच्चों, यहां करंट आई, यहां भी आई, यहां भी आई, ये R1, ये R2, ये R3। आपके गुरुदेव ने बताया था कि V is equal to क्या होता है, RI, इसको याद रख लो, खत्म। क्या चीज वेरी कर रही थी, उसके रिस्पेक्ट में देख लो। तो बच्चों यहां पर दो चीज बताई थी आपको, क्या वेरी कर रहा था बच्चों, यहां पर वोल्टेज वेरी कर रहा था, V1, V2, V3। तो बच्चों वोल्टेज को लिखूंगा V equivalent is equal to V1, V2, V3, खत्म करो। तो V क्या हो जाएगा, R equivalent I, R1 I, R2 I, R3 I। तो बच्चों R1 plus R2 plus R3 और I common is equal to R equivalent I। तो बच्चों I से I गया, क्या आ गया फॉर्मूला, R1 plus R2 plus R3। तो सीरीज में ये है, कैपेसिटेंस में पूछ लूं बच्चों क्या था, इनवर्स कर दो इसका, डन मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल। अब पैरेलल की कहानी चलती है, इसको नोट करो बच्चों, पैरेलल की कहानी चलती है बच्चों। तो पैरेलल में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पैरेलल, तो पैरेलल में ये देख लो, ये थी बात, ये R1, ये R2, ये R3 बच्चों। यहां से मुझे बताओ करंट आया, मुझे बताओ यहां से, यहां गया I1, यहां गया I2, यहां गया I3। बच्चों क्या चीज चेंज हो रही है, V is equal to होती है RI। बच्चों क्या चीज चेंज हो रही है, वोल्टेज की करंट, करंट चेंज हो रहा है। तो बच्चों क्या लिखोगे, I equivalent is equal to I1 plus I2 plus I3। जो चेंज होता है उसी के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। अब लिखो बच्चों, I is equal to V upon R होता है, तो V भी सेम है, V upon R1
आर इक्विवेलेंट वी वन अपॉन आर वन प्लस वी टू अपॉन आर टू वी थ्री अपॉन आर थ्री वी थ्री अपॉन आर थ्री। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहां से, तो बच्चों ये V अपॉन आर टू वी अपॉन आर थ्री। तो बच्चों वी 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 उड़ जाएगा, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा बच्चों आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? अब एक चीज और दूंगा जो कैपेसिटेंस में बच्चों भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं, भूले कुछ नहीं है, आगे कंपनसेट हो जाती है हर चीज, अलग से वीडियो बना के भी मैं डाल दूंगा। तो बच्चों अगर मैं बात करूं यहां से, अगर सीरीज में रेजिस्टेंस है, सीरीज में रेजिस्टेंस है और बहुत सारे लगे हुए हैं, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सो ऑन, तो क्या करेंगे, आर 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 और सेम है एन नंबर में, तो याद रखना बच्चों आर इक्विवेलेंट हो जाएगा एन आर। अगर बच्चों पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं बहुत सारे, पैरेलल में सो ऑन बहुत सारे लगे हुए हैं आर आर आर, तो ये हो जाएगा R equivalent is equal to R upon N। क्रिस्टल क्लियर बच्चों? तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखना। और कैपेसिटेंस में क्या हो जाएगा बच्चों, जस्ट उल्टा, सीरीज वाली कंडीशन पैरेलल में और पैरेलल वाली कंडीशन सीरीज में बच्चों। क्रिस्टल क्लियर? अब अगर बच्चों मैं बात करूं आपसे, तो ये रेजिस्टेंस की भी कहानी खत्म हुई बच्चों। अब आ जाते हैं टेम्परेचर कोफिशियंट, टेम्परेचर कोफिशियंट बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, टेम्परेचर कोफिशियंट। तो टेम्परेचर कोफिशियंट होता क्या है बच्चों, सबसे पहले इसको अल्फा से इंडिकेट करते हैं बच्चों। तो ये क्या होता है इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस, दोनों की बात, दोनों टर्मों में बात करूंगा, रेजिस्टेंस भी रेजिस्टिविटी भी, इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस बच्चों। रेजिस्टेंस की भाषा में क्या होता है, आर टू इज इक्वल टू आर वन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ये होते क्या है बच्चों, ये क्या है बच्चों, फाइनल रेजिस्टेंस ये क्या है बच्चों, इनिशियल रेजिस्टेंस ये क्या है बच्चों, टेम्परेचर कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर कोफिशियंट एक ही बात है बच्चों। ये क्या है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो बच्चों ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां से आपको अल्फा पूछता है, तो मैं निकलवा के दिखा देता हूं, मुझे बताओ इस फॉर्मूले को खोल लेंगे आप, R2 इसको अंदर घुसाएंगे तो R1 into 1 R1 प्लस ये अंदर तो R1 अल्फा डेल्टा टी बच्चों, ये हो गया। अब इसको इधर ले जाएंगे बच्चों, R2 माइनस R1, R1 अल्फा डेल्टा टी, अब अल्फा को यही रहने दो, R1 अपॉन डेल्टा टी को नीचे ले आओ, ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन आर वन डेल्टा टी। तो बच्चों ये है कोफिशियंट ऑफ टेम्परेचर। अब ये तो बात थी बच्चों रेजिस्टेंस की भाषा में, अब अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी की भाषा में, कुछ नहीं करना है, बस रो ले आना है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन दोनों पे आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ना कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है, बस थोड़ी सी अंतर है इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी, इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ रेजिस्टिविटी रो। तो बच्चों अब कैसे बात करेंगे, तो बच्चों क्या बात करेंगे यहां पर, तो फिर से रो टू इज इक्वल टू रो वन वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, फिर से वही बात है बच्चों, क्या है ये, क्या है फाइनल रेजिस्टिविटी, वो रेजिस्टेंस था या रेजिस्टिविटी है, फाइनल रेजिस्टिविटी, ये क्या है इनिशियल रेजिस्टिविटी, इनिशियल रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी, ये क्या है टेम्परेचर कोफिशियंट, वही बात है, ये क्या है चेंज इन टेम्परेचर। तो बच्चों क्या कुछ बदला है, ना, यहां पर भी अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे बच्चों बिल्कुल, तो क्या आएगी रो टू इज इक्वल टू रो वन अंदर गया प्लस रो वन अल्फा डेल्टा टी, क्या हुआ बच्चों आगे रो टू माइनस रो वन अल्फा डेल्टा टी। तो बच्चों अल्फा क्या आया, अल्फा इज इक्वल टू रो टू माइनस रो वन डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला बच्चों बनाई देता है, क्रिस्टल क्लियर? तो इसको आप ट्रिपल स्टार डाल दो बच्चों,
बहुत इंपॉर्टेंट अल्फा की वैल्यू। तो टेम्परेचर कोफिशियंट का भी कॉन्सेप्ट बच्चों होता है समाप्त। क्रिस्टल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, अब आ जाते हैं आगे। टेम्परेचर कोफिशियंट, तो बच्चों टेम्परेचर कोफिशियंट के बाद हम क्या है, तीन कॉन्सेप्टों पे खेलेंगे कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो याद रखना बच्चों, टेम्परेचर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ पहला केस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, पहला कंडक्टर में, दूसरा सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, एक ही बात है बच्चों, इंसुलेटर, तीसरा अलॉय। बच्चों याद रखना, अगर मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा और कंडक्टर पे क्या होगा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हमेशा क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ाने से। हालांकि नंबर डेंसिटी बच्चों यहां घटेगी, क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है क्या है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाऊ ए। बच्चों तो मुझे बताओ, टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है और नंबर डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो बच्चों यहां पर क्या होगा, जो आर होगा वो भी बढ़ेगा और जो रो होगी वो भी बढ़ेगा। ग्राफ आपको देखना है बच्चों, याद रखना टेम्परेचर वर्सेस रो और आर का ग्राफ, रो और आर का ग्राफ। इसके लिए मैंने बताता यहां पर क्या है, नंबर डेंसिटी का नेग्लिजिबल रूल होगा, टेम्परेचर को हम देखेंगे, नंबर डेंसिटी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो यहां से जो ग्राफ आएगा बच्चों वो ऐसा आएगा। अगर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की बात करता हूं तो बच्चों नंबर डेंसिटी बढ़ेगी, नंबर डेंसिटी की और टेम्परेचर की बात करूं तो ये क्या होगा, इनवर्स, या नंबर डेंसिटी डोमिनेंट कर जाएगी बच्चों और टेम्परेचर क्या करेगा, डोमिनेंट नहीं करेगा। तो यहां पर जो ग्राफ आएगा बच्चों, ये ग्राफ पूछा गया है बच्चों पिछली सालों में, तो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। तो रो और आर का जो ग्राफ होगा बच्चों यहाँ डिक्रीज करता नजर आएगा, डिक्रीज करता हुआ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और अलॉय के केस में बच्चों रो और आर का जो ग्राफ है बच्चों ये क्या है, हल्का सा इंक्रीजमेंट नजर आएगा। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, तीनों ग्राफ है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हैं, इसमें इंक्रीज, इसमें डिक्रीज, इसमें इंक्रीज, इसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों डिक्रीज, दोनों डिक्रीज, रीजन ड्यू टू नंबर डेंसिटी या टेम्परेचर की वजह से दोनों इंक्रीज, यहां पर हल्का सा चेंज अलॉय में। कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन की बात कर रहा है बच्चों, क्रिस्टल क्लियर। तो ये थे, अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट पावर पर। जूल्स हीटिंग ऑफ करंट, उसको आगे देख लूंगा बच्चों, वीडियो देख लूं पहले कितनी लेंथ बढ़ गई, फिर पावर वाले से नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि बच्चों थोड़ा हेक्टिक सा हो गया है, 45 मिनट का हो गया है वैसे, चलो थोड़ा सा और घिसते आ जाओ। तो बच्चों सबसे पहले पावर, तो पावर के हमें तीन फॉर्मूले देखने को मिलते हैं बच्चों, पहला पावर इज इक्वल टू वी आई, दूसरा पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर। आपको एक याद रखना है, तीनों बना लोगे, क्यों, V इज इक्वल टू आर आई आपके पास है, खत्म कर लोगे। तो पावर क्या है, वोल्टेज इनटू करंट, पहला पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, तो V इज इक्वल टू आर आई, तो यहां पर वैल्यू पुट करी आर आई आई, तो आर आई स्क्वायर आर हो गया बच्चों, और ये V स्क्वायर अपॉन आर। क्रिस्टल क्लियर करके दिखा देता हूं बच्चों, थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों बहुत ज्यादा। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, P इज इक्वल टू वी आई वाला। अब चलते हैं आगे, V इज इक्वल टू आर आई होता है बच्चों, P इज इक्वल टू V में वैल्यू पुट करें तो आर
आई इंटू आई, तो क्या हो गया बच्चों, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इसको भी नोट करें, सेकेंड फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला बच्चों यहीं पर, P इज इक्वल टू वी, वी की जगह वी रहने दें बच्चों, आई की जगह, आई की जगह वी इज इक्वल टू आर आई था बच्चों, अब आई की जगह क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर, तो बच्चों क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको तीसरा फॉर्मूला माने। इंपॉर्टेंट है बच्चों पावर, पावर की यूनिट याद रखना बच्चों वॉट, अगर किलो वॉट है तो 10^3, क्रिस्टल क्लियर बच्चों। अब आ जाते हैं आगे, अब मुझे बताओ पावर को अगर वर्क के फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में इंडिकेट करना है तो कैसे करेंगे, तो आपको पता है पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू W अपॉन T, और वर्क क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। मुझे बताओ एनर्जी या P, एनर्जी या W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W या E का फॉर्मूला P इंटू T, पावर इंटू टाइम, क्रिस्टल क्लियर बच्चों। तो ये फॉर्मूला, तो मुझे बताओ एनर्जी और वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VIT पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला बच्चों I स्क्वायर RT, बिल्कुल, तीसरा बच्चा फॉर्मूला बच्चों V स्क्वायर अपॉन RT, खत्म बच्चों। इसी को जूल हीटिंग लॉ ऑफ करंट भी बोलते हैं, क्रिस्टल क्लियर। तो इनको कोष्टक में आप बंद करो बच्चों, क्रिस्टल क्लियर। एक चीज और याद रखना बच्चों, वन जूल इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10^6, वन वॉट इज इक्वल टू 3.6, ये होता है वन वॉट इज इक्वल टू, इस चीज को और याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो बच्चों ये थी पावर की कहानी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये क्या है बच्चों, ये फिर से एनर्जी की बात कर रहा है आई स्क्वायर आर टी, या हीट की बात कर रहा है आई स्क्वायर आर टी, यहीं से तीनों फॉर्मूले आ जाएंगे बच्चों, हीट ही एनर्जी है। डन बच्चों, अब क्या है, अगले लेक्चर में मैं आपको किरचॉफ लॉ और जो कॉन्सेप्ट बचे हैं उनको बताऊंगा। धन्यवाद बच्चों, मैं आपका निशान चौधरी आपके साथ पूरे 5 तारीख तक डटा हुआ हूँ बच्चों। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।